अगर मैं नब्बे तक जी गया और जिस तरह मैं चल रहा हूं और मैं अपनी एस आई बंद नहीं करता मेरी एक्टिव इनकम चलती रहती और आपने दस हजार डालासौ पैसठ मेंंड्रेड करोड़ प्लस अगर मैं तीस हजार रुपये महीने कमा मुझे कुछ वेल्थ क्रिएट करनी है और आई वॉन्ट टूलिश माई ऑल ड्रीम्स क्या प्रोसेस होना चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड एज आई हर्ड दैट इफ यू आर इन month सर अगर बात करें अभी कुछ ही दिन पहले हमारा बजट आया 2024 जो अगले पांच साल के इंडिया के लिए होगा वाई हमारी कंट्री में ज्यादातर लोग पॉवर्टी में ही क्यों हैं? हाँ, है? उसका रीजन सो वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल एंड आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्यों क्योंकि फाइनेंस की बातें आपने बहुत ज्यादा सुन ली है बहुत ज़्यादा रील्स देखी होंगी आपने बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम आप कर चुके हो बट एक्चुअली प्रैक्टिकली फाइनेंस की नॉलेज समझनी है समझना है फाइनेंस मैनेज कैसे होता है अगर आप एक जॉब करते हो आप वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हो क्या करना है और क्या नहीं करना आज का पॉडकास्ट होने वाला है एक प्रैक्टिकल एडवाइस के ऊपर एक एक्सपर्ट के साथ जो आपको सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि क्या करना है वो आपको ये भी बताएंगे क्या नहीं करना है और कैसे आप अपनी लाइफ में विजडम आप कैसे अपनी लाइफ में एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हो तो हमारे साथ हैं आज फाइनेंस एक्सपर्ट संजय कतूरिया सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में द प्रतीक वर्ल्ड शो में

एक मिडिल क्लास परिवार के बच्चे की बात करते हैं उसके पास एक रीज़न होता है कि दैट पैसे नहीं है लाइफ में या रिसोर्स नहीं है नहीं है जनरेशन वेल्थ वो चाहता है लाइफ में अमीर बनना बट वाई हमारी कंट्री में ज्यादातर लोग पॉवर्टी में ही क्यों है ये देखिए पॉवर्टी में हाँ पॉवर्टी में क्यों है उसका रीज़न है मानसिकता मानसिकता देखिए अभी आपने क्या बात बोली कि बंदा पैसा बनाना चाहता है क्योंकि वो गरीब है अभी भी पर्पस कहाँ आया पर्पस नहीं आया। अभाव आया आपने अभी क्या कहा कि बंदा पैसा बनाना चाहता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है hmm. यह पर्पज थोड़ी है अभी भी पैसा बनाना है क्योंकि अभाव है इट्स अ नेगेटिव कॉनोटेशन इट्स अ नेगेटिव फीलिंग मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं पैसा बनाना चाहता हूं इज अ नेगेटिव वे ऑफ लुकिंग एट मनी अभाव से आप अबंडस नहीं ला सकते अभाव hmm. के माइंडसेट से आप कभी अबंडस नहीं ला सकते Absolutely. तो आपको okay. पहले अभाव का माइंडसेट निकालना पड़ेगा आप जहां हो जो हो आप फिर भी बहुत बड़े बहुत बड़े तख्ते से ज्यादा बेटर हो अगर आप महीने का बीस हजार भी कमाते हो पच्चीस हजार भी कमाते हो तो आज आप भारत के नब्बे प्रतिशत लोगों से ज्यादा अच्छे हो। एंड एज आई हर्ड इफ यू आर इन टॉपन हाउ मच यूर मे रिलैक्स अंथ Only 3 जी अगर आप भारत में 1 में आना चलो, 40 ,00 साल का। साल का 40 ,00 ये अभाव किसका होता है पता है जो महीने का हजार रुपए कमा रहा है जो महीने का दो हजार कमा रहा है वो अभाव में बिल्कुल वो परेशानी में आप अगर बीस हजार कमा रहे हो ना तो आप अभी भी बहुत बड़े तख्ते से ऊपर हो हाँ मैं ये नहीं करा रहा कि इसके आगे आपका विजन नहीं होनी चाहिए एस्पिरेशन नहीं होनी चाहिए होनी चाहिए। आज अगर मैं भी कहूं तो अभी भी मेरे से पहुंचने में ग्रेटिट्यूड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल चाहिए। तो इसलिए मैं पैसा बनाना चाहता हूं नॉट द राइट वे टू एट मनी इट इज अ वेरी नेगेटिव वे टू एट मनी जब फाइनेंस सिखाया गया था एमबीए करी तो हमें ना गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग सिखाते थे तो इन्वेस्टिंग टू बी गोल बेस्ड आज लोग लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि मैं अट्रैक्ट करता हूं, कि मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं मैं जैगवार खरीदना चाहता हूं मैं फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा बंगला खरीदना चाहता हूं वो तो भी, 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 भी तो पर्पज दे रहे हैं ना पैसे को भी भी। तो हमें फाइनेंस में ये सिखाया गया कि आप गोल दो पैसे को कि मैं तीन साल बाद अपनी गाड़ी दस लाख की गाड़ी लेना चाहता हूँ जिसमें दो लाख की डाउन पेमेंट है मैं दो लाख इकट्ठा कर रहा हूँ गोल हो गया मैं पांच साल बाद जी मेरे को शादी करनी है मेरे को शादी में दस लाख रुपए चाहिए पंद्रह लाख रुपए चाहिए मैं उसके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ गोल हो गया मेरे को बीस साल बाद रिटायर होना है तो मेरे लिए ये हो गया कि मेरे को 20 साल बाद समझो दो करोड़ रुपए चाहिए करोड़ रुपए चाहिए तो गोल गोल हो गया। गोल हो गया। अब आप उसको प्लान करते हो। वाई आ गया।, गया। हाँ इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालूंगा? कौन से बाहर है उसके तो लिए पैसा नहीं चाहिए डिग्री लेनी है मेरे को पढ़ाई करनी है मेरे को गाड़ी लेनी है मेरे को शादी करनी है

मैंने एक रील बनाई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर दैट आई एम अगेंस्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उसमें मैंने ये बोला था मुझे बड़ी गालियाँ पड़ी कि दैट एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि एक बहुत फेमस टॉपिक बन चुका hmm. है बहुत वाइल्ड uh, टॉपिक है जिसपे hmm. सब बात कर रहे हैं बट hmm. मुझे ऐसा लगता है दैट सिर्फ सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजन वर्क वट आर योर व्यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ क्या वर्क करता है आप उसको अगर कंप्लीट कर पाए तो hmm. देखिए uh, शायद आपने बहुत पोलराइज कंटेंट बना दिया तो पोलराइज कंटेंट में धुलाई हो जाती है यू से समथिंग समथिंग टोटली टोटली अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ तो धुलाई हो ही जाती है uh, मेरे साथ भी ऐसे दो तीन बार हो चुका है <laughs> तो ठीक है इट्स ओके okay. <laughs> मतलब वी आर ऑल प्रिवी टू ओन यू नो मुझे ऐसा लगता है देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ओके इट्स नॉट द एंडिंग पॉइंट देखिए क्या होता है ना माइंड आपके और मेरे दिमाग के बीच में कॉम्पोजिशन वाइज तो कोई फर्क नहीं है नहीं <laughs> It's आपके मेरे और मुकेश अंबानी के दिमाग के बीच में भी कोई कॉम्पोजिशन वाइज तो फर्क नहीं है no. उतना ही सेल्स हैं उतना ही सब कुछ है hmm. तो क्यों कोई बहुत अमीर है और क्यों कोई बहुत अमीर नहीं है और क्यों कोई अमीर होने के बावजूद भी लगा हुआ है और क्यों कोई एक अमाउंट के बाद रिटायर कर जाता है hmm. ये जो है ये आपके ब्रेन की रीवायरिंग उस हिसाब से हुई होती है okay. जैसे अगर आप देखें हमारे परिवारों में बचपन से क्या बेटा तेरे पास दो तो बहुत है, बहुत है। उनके लिए तो दो करोड़ दो करोड़ right. right. में, में। तो हो जाए मेरे को याद है दो हजार दो ईयर में 2000 में कौन बनेगा करोड़पति अच्छा आप तो बॉन हुए तो मतलब आप सोचो उस टाइम पे

न्यूरॉन्स के कनेक्शन के बेसिस पे ही आप अपनी जिंदगी में सफल असफल या मैसिवली सफल या बेसिकली सफल होते हो राइट ठीक है आज अगर मुकेश अंबानी के पास सौ बिलियन डॉलर है hmm. तो कोई भी एक आम इंसान बोलता है यार क्यों इतनी मेहनत कर रहा है क्यों आज भी तो अठारह घंटे काम हाँ. कर रहा है क्यों तू तो एक्सपेंशन कर रहा है पर उसका ब्रेन अलग रिवायर्ड है वो शायद आखिरी सांस अपनी ऑफिस में लेगा बिल्कुल ठीक right. है हमारे यहाँ रिटायर एट फोर्टी रिटायर एट थर्टी रिटायर एट ट्वेंटी नो नीड टू वर्क ये वाला माइंड चल रहा है उसके यहाँ चल रहा है कल चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो तो, तो ये ब्रेन की रिवायरिंग है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको हेल्प करता है ब्रेन को रिवायर करने में ओके ठीक है अगर मैं ये कह देता हूं कि मुझे चार साल डाउन द लाइन मुझे एक मेरी एक फेवरेट गाड़ी है रेंज रोवर स्पोर्ट मुझे खरीदनी है तो मेरे ब्रेन ने अब एक मैसेज दे दिया वाई क्लियर कर दिया हो गई पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज 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 नॉट इनफ इट 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 अ अ अ सॉरी नेसेसरी कंडीशन बट इट इज नॉट अ नॉटिशियंट कंडीशन मतलब वो जरूरी है कि आप अट्रैक्ट करो आप लिखो आप अपना जर्नल बनाओ ये सब करो वो जरूरी है बिल्कुल जरूरी है पर ये पूर्ति नहीं है okay. इसके बाद आप घर पे जाके चद्दर उड़ के सो जाओ तो आ जाएगी क्या <laughs> नहीं नेवर ठीक है फिर आप बनाते हो प्लान राइट तो वाय आपको रोज सुबह जगाएगा सात बजे कि यार भाई साहब याद बाद स्पोर्ट्स लेनी है, बिल्कुल। रेंज स्पोर्ट्स लेनी है और वही डाउन पेमेंट पे मतलब उतना कैश इकट्ठा होना चाहिए टैक्स देने के बाद खर्चे निकालने के बाद तो अब मैं वाई के साथ साथ उसका हाउ और वट डिजाइन कर सकूंगा क्योंकि मेरा वाई क्लियर है आपको मैं इसको एक मजेदार चीज बताता हूँ क्या हुआ मैं मेरे पापा पहले में काम करते थे तो वी यूज टू स्टे इन बॉम्बे इन इन एन ओ एन जी सी कॉलोनी इन जुहू सो देर वर हंड्रेड अपार्टमेंट्स इन दैट एंड सब पापा के लेवल के आसपास के लोग थे बिकॉज वो सेम लेवल के क्वार्टर्स होते थे कोई जी एम है कोई डी जी एम है कोई ई जी एम ऐसे मतलब डेजिग्नेशन होती थी सबके तो सबके बच्चे मतलब हमारी एज के थोड़े छोटे hmm. थोड़े बड़े वो रेंज के होते थे तो so वहाँ पर ना दो बार झंडा झंडाबंदन होता था एक ट्वेंटी सिक्स जनवरी तो जो फिफ्टीन ऑगस्ट को होता था वो टेंथ का टॉपर करता था अच्छा। कि सारे बच्चों में जो टेंपियर किया इस साल उन्हें टॉपर कौन कहा सबसे ज्यादा मार्क्स किसके एंड ट्वेल्थ का करता था छब्बीस अगस्त छब्बीस जनवरी को अच्छा पंद्रह अगस्त को टेंथ वाला छब्बीस जनवरी को ट्वेल्थ वाला 12th वाला तो में मैं आया थर्ड थर्ड था okay. तो दो मेरे से ऊपर अपना झंडा नहीं खींचेंगे अपन ताली बजाएंगे <laughs> पर उस दिन अपन ने ठान ली क्योंकि ना वो एक पेरेंट्स के लिए बहुत प्राइड मूवमेंट होता है कि उनके बच्चे ने झंडा खींचा बहुत प्राइड का मूवमेंट होता है

चार सौ दिन मैं सुबह चार बजे उठाऊँ चार सौ दिन चार सौ दिन मैं सुबह चार बजे उठाऊँ मेरे घर पे से केबल काटवा दिया सब कुछ बंद कर दिया मेरे पेरेंट्स ने भी सेक्रीफाइस किया टी देखना बंद कर लिया मेरी मम्मी ने ठीक है हर पॉसिबल चीज करी जिससे मेरा मैं क्लासेस करता था रात को क्लासेस करता था कॉलेज आपने था। उसके पीछे की मेहनत बहुत करी बहुत एक्सट्रीम मेहनत थी मेरे घर से 250 किलो रद्दी निकली ट्वेल्थ के बाद ओके मैं इतना प्रैक्टिस करता था अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन ट्वेल्थ और झंडा छब्बीस जनवरी को मैंने खींचा yeah. जो मेरे बाद वाला था वो सीधा एट्टी फाइव परसेंट पे था तो मतलब सात परसेंट दूर दूर तक कोई नहीं पर उस चीज को पहले मैंने जिया पहले मैंने यहाँ पे एल ओ ए किया ऑफ अट्रैक्शन किया, okay. किया और फिर लॉ ऑफ डिसिप्लिन किया okay, आई हैव टू डू इट एनी हाउ यस कोई भी कीमत हो कोई भी कीमत पे करना है अब ठान लिया क्योंकि मेरे को मेरे पेरेंट्स को देखना था प्राइड प्राइडो सुबह सुबह उठ के आए पापा बेस्ट कपड़े पहन के नहीं तो आपका कोई और बच्चा खींच रहा होता है नॉर्मल कपड़े पहन के तो, तो, तो आपका बेटा खींचेगा तो आप सबसे अच्छे कपड़े पहन तो तो। के आ रहे हो उस टाइम पर मम्मी सबसे अच्छे से ड्रेस्ड है मतलब वो एक फीलिंग है अलग बिल्कुल तो वो फीलिंग मेरे को मेरे पेरेंट्स के लिए जीनी थी मेरे लिए नहीं जीनी थी पर वो मतलब उसके वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ लॉ ऑफ डिसिप्लिन का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जर्नी में आपको थकने नहीं देगा नहीं। पर ही नहीं तो कर ही हाँ, नहीं, नहीं है फीडबैक मैकेनिज्म नहीं, नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे जो आप सोच रहे हो पर पहले सोचना जरूरी है तो इसलिए मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिनाई नहीं करूंगा मैं खुद बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं उसमें पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद चकदर ओढ़ के सोने में बिलीव नहीं करता

रस्ते मिल जाते बिल्कुल जैसे मैं आपको बता था जब ये ट्वेल्थ का चल रहा था तो मैं क्लासेस ज्वाइन करी जगदीश भाई दानी तो भाई दानी क्लासेस क्लासेस कहते थे उसको तो जगदीश भाई क्लास वन ऑफ द बेस्ट थी बॉम्बे में और मैं इतनी मेहनत करता था जगदीश दानी ने एक दिन मेरे को लाइब्रेरी में देख लिया अच्छा ठीक है मैं लाइब्रेरी में बैठ के सम्स करे जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ वो दिखते भी नहीं थे वो तो क्लासेस के ओनर थे पर ही वॉज द बेस्ट मैथ्स टीचर अच्छा तो वो एक बैच लेते थे सिर्फ एक बैच पूरे साल में

वेन आई वॉज चाइल्ड तो मुझे पता नहीं था दैट वॉट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी कोई चीज़ें होती नहीं होती बट हाँ मतलब मेरे पेरेंट्स बताते कि दैट मैं थोड़ा ज़िद्दी था चीज़ों को कि देट कोई चीज़ अगर पसंद आ गई तो वो चाहिए चाहे वो रिसोर्सेज नहीं है चाहिए, I don't नहीं care. चाहिए ही चाहिए आई डोंट केयर कि अब कहाँ से आएंगी वो चीज़ें और वही चीज़ें हुई मेरे साथ अभी ग्रो अप करते हुए तो एटीन की एट द एज ऑफ एटीन मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो एक वो थोड़ा लोगों को देख देख के आसपास के लोगों को देख के ना कि वो गाड़ी चाहिए क्रेज कि अपनी कार हो ये हो पीपल आर कमिंग अब कॉलेज जा रहा हूँ कुछ आते हैं अपनी गाड़ी से आते हैं तो एक वो था कि अपनी गाड़ी हो तो मैंने अपना काम स्टार्ट करा एंड उसमें से थोड़े पैसे वैसे आए तो एक अट्रैक्शन थी गाड़ी की तरफ कि पैसे कमाने हैं पैसे कमाने हैं और मैंने कुछ ही टाइम में देखा कि लाइफ अपने आप ही कुछ रास्ते बने रस्ते बने और जो चीजें नहीं हो रही थी वो चीजें होने लग गई बिजनेस नहीं चल रहा था वो चलने लग गया सिर्फ यह सोचते सोचते गाड़ी लेनी है गाड़ी लेनी है गाड़ी लेनी है और वो गाड़ी से कौन सी लेनी थी और कौन सी ले ली कब थोड़े पैसे ज्यादा बन गए राइट right. तो एक चीज तो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन है बट एज यू सेड उसके पीछे का हार्डवर्क भी होता है बहुत जरूरी है बहुत पर हार्डवर्क के लिए मोटिवेटेड आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो जैसे आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बताया ये चीज़ बहुत कहीं ना कहीं हद तक ठीक है बट आपको क्या लगता है मुझे ऐसा लगता है कि दैट आज जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखता हूँ कहीं ना कहीं ये सब ग्राउंड हमारे सोशल मीडिया की वजह से चीज़ें हो रही हैं दैट जो चीज़ें नहीं भी चाहिए अब hmm. वो भी चाहिए जो हम देख रहे हैं लोगों को करते हुए जैसे आपने बताया लो फरारी चला रहे हैं दुबई जा रहे हैं एंड एवरीबडी इज़ शोइंग ऑफ एंड इन अव्यूज वे कि दैट लाइफ इज सो ग्रैंड ट आई एम लिविंग लाइक दिस ये होती है लाइफ एंड जो तुम्हारी लाइफ है वो लाइफ नहीं है मैं एक होटल में रुका हूं जिसमें साढ़े तीन लाख रुपए एक दिन का रेंट है दिस इज द लाइफ एंड लोग शायद उसी को ज्यूम कर रहे हैं इफ अ बॉय इज मेकिंग फाइव लाख रुपीज अंथ इट्स अ ग्रेट थिंग इफ यू आर ट्वेंटी फोर इट्स अ ग्रेट थिंग बट वेन यू लुकअप टू लाइक की कोई अब मुझे ऐसे साढ़े तीन लाख रुपए के एक होटल में रुकना है जो दुनिया का अकेला सेवन स्टार होटल है आई फील लाइक आई एम पुअर आई एम नथिंग Hmm. तो क्या इन सब चीजों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लोगों का खराब भी हो रहा है क्या hmm. ये इफेक्ट करता है सर आपको लगता है देखिए ह्यूमन मानसिकता जो है ना hmm. वो बड़ी अजीब है वो ना इट इज नेवर हैप्पी विद व्हाट दे हैव इट इज ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर मोर राइट राइट तो इसे हम कहते हैं फोमो वेड यू फियर ऑफ मिसिंग आउट बट आपको फोमो अगर आपकी मानसिकता स्ट्रांग है तो आपको फोमो रखने की जरूरत ही नहीं है hmm. और अगर आपकी मानसिकता स्ट्रांग है तो आप ऑटोमेटिकली एक दिन आएगा आप वो साढ़े तीन लाख के कमरे में रुको डेनियल गोल्डमैन करके एक uh, बहुत बड़े uh, वो रहे हैं साइकोलॉजिस्ट uh, रहे हैं हुँ. उन्होंने एक बुक लिखी थी इमोशनल इंटेलिजेंस ओके। और उन्होंने क्या किया एक बच्चे बच्चों के सेट को रखा साथ में और उनको मार्शमेलो मेलो दिया अच्छा मार्श दिया okay. मार्श दिया और सबको बच्चों को मार्श दिया और हुँ. बोला कि uh, मैं पंद्रह मिनट में आता हूँ जो मार्च नहीं खाएगा उसको मैं चॉकलेट सॉस भी दूंगा अच्छा तो अब छोड़ दिया बच्चों को कमरे में अब बच्चे तो देख रहे हैं मन है उनका खाने का कोई लोग आए थोड़ा सा ऐसा <laughs> हल्का सा करके छोड़ दिया कुछ लोग ने खा लिया वाला अच्छा बाद में देखे कहा आया ही नहीं वापस तो है ना तो अलग अलग बच्चों ने अलग अलग तरीके से इस पर रिस्पॉन्ड किया ऑब्वियसली वो पंद्रह मिनट बाद आए और उन्होंने फिर चॉकलेट सॉस भी दी अब चॉकलेट सॉस जैसे ही दी तो जिन बच्चों ने खा लिया उनका ये ये क्या है? ये क्या हो गया और उन्होंने ये नोटिस किया कि जो बच्चों ने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जगह डिलेड ग्रेटिफिकेशन को किया उन बच्चों ने आगे जाके लाइफ में ज्यादा प्रोग्रेस किया ओके। ये रिसर्च रखी थी बहुत लंबी रिसर्च एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट अब देखिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ खुद का पर्सनल एग्जाम्पल सो टुडे आई बिलीव आई कैन अफोर्ड अ मर्सिडीज करोड़ रुपए का सकता हूं उससे मैंने अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले कर दिया तो आप सोचो मैं रेंज रोवर स्पोर्ट्स एक्चुअली कब लूंगा अगर मुझे डेढ़ करोड़ की गाड़ी लेनी है तो मेरे पास टाइम 4 करोड़ 3 करोड़ का वो होना चाहिए स्कोप होना स्कोप चाहिए तब मैं एक डेढ़ करोड़ की गाड़ी लूंगा बिल्कुल <laughs> <laughs> तो आप तो अब क्या है अब मेरा गोल चार करोड़ हो गया ना अब मेरा गोल डेढ़ करोड़ नहीं करोड़ ना? नहीं आपका गोल कि मैं वो आई वाली जिंदगी पे लोन लेके ऐसे नहीं चाहना चाहता गाड़ी लेना तो अब और उसके भी मैं थ्री टाइम्स कवर रखना चाहता हूं बिल्कुल कि भी एक रुपए की चीज है तीन रुपए होंगे तभी ले लेंगे तो मैं ये एक एग्जाम्पल है कि आप अपने ग्रेटिफिकेशन को आज वाले को खींच भी सकते हो okay. और डीले भी कर सकते हो डीले भी कर सकते हो आपको खरीदनी बिल्कुल खरीद खरीदनी खरीद कोई चक्कर नहीं।, नहीं है पर उसके लिए अपनी इक्वेशन बना लो कि आप सोच रहे हो अगर वो बंदा साढ़े तीन लाख के कमरे में रह रहा है तो दो तीन चीजें हुई होंगी या तो उसको वो किसी ने गिफ्ट किया होगा विच इज क्वॉट एपॉसरशिप्स होती हैं आप भी जानते हो क्रिएटर हो स्पॉन्सरशिप्स होती हैं सेकेंड है कि या उसने इतना पैसा बना लिया होगा कि उसकी वेल्थ का एक छोटा सा टुकड़ा होगा टुकड़ा होगा कि भाई उसके पास आज अकाउंट में दो तीन करोड़ होंगे चल यार एक दिन और उसको पता है कि ये साढ़े तीन लाख रुपए का रूम दिखा के मैं अपने तो दस तो करोड़ के कोर्स भेज दूंगा आ, बना लूंगा राइट तो वो तो आर की तरह देख रहा है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहा है कि मैं थोड़ा सा पैसा डालता हूँ साढ़े तीन लाख का कमरा दिखाऊंगा जो जी करूंगा और बताऊंगा कि देख भाई मैंने इंस्टाग्राम पे ये कोर्स लॉन्च किया है जिसमें मैं एक तरह को सिखाऊंगा कि साढ़े तीन का कमरा कैसे ले यैसे सकता यैसे है जीवन में और तेरे, हमारे जैसे हजारों लोग आ जाएंगे मूरख और उसको दे देंगे सात हजार छह हजार पांच हजार रुपये अब फाइव थाउजेंड इन टू थाउजेंड इज फिफ्टी लैक्स एन तो साढ़े तीन लाख लगाए और पचास लाख बना लिए और तुम सोचते रह गए कि मैं उस कमरे में जाऊंगा तो वो तो तेज है Is उसको तो पता है। आप उसके ट्रैप में मत फंसो आपके फोमो वोमो में मत फसो आप अपनी जर्नी घोड़े की तरह लेफ्ट और राइट में नाल बांधो वो सॉलिड जो नाल नहीं कहते उसको जो पट्टी कहते हैं और अपना जो जर्नी है उसको तय करो मतलब योर फोकस शुड बी वेरी क्लियर डोंट फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ सोशल मीडिया देखिए इसलिए मेरे को एक बार मेरा इंस्टाग्राम जब लॉन्च हुआ तो मेरे को काफ़ी लोगों ने कहा कि सर अपना लाइफ दिखाओ दिखाओ हाँ। ये सब करो मैंने बोला मैं कभी नहीं दिखाऊंगा मैं कभी अपना लाइफ नहीं दिखाऊंगा मैं कभी ये नहीं दिखाऊंगा कि मैं दस लाख के पंद्रह लाख के बीस लाख के कमरे में रुक रहा हूँ या ये रुक रहा हूँ या मेरे को किसी ने कुछ किया है क्या किया वो सब नहीं दिखाऊंगा मुझे ऐसा लगता है सर आज थोड़ा ऐसा हो गया है माहौल दैट पहले हमें अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए आधार hmm. कार्ड दिखाना होता था पैन hmm. कार्ड ये सब दिखाते थे बट hmm. आज लोग अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल दिखाते हैं hmm. और लोगों का रवैया बदल जाता है, है, मैंने खुद नोटिस किया मी सिक्स बैक विध जीरो मी सिक्स डाउन द लाइन विथ फोर लैक फॉलोअर्स इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पीपल आर रियक्ट इन द सेम गाय वो तो ठीक है हमने कुछ रील्स डाली कुछ चल गई कुछ लोगों को पसंद आया कुछ वैल्यू लगी तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया मेरे को बट आई थिंक सो के दैट वो कहीं ना कहीं यार सोशल मीडिया बहुत एंग्रेवड हो गया इट इज भाई सात घंटा आप फोन पे हो सात घंटा आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो And... तो ऑब्वियसली अच्छा यूट्यूब इंस्टाग्राम पर भी जाओगे अगर आप मीनिंगफुल देखो आप अपना टाइम फोन पे वो 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 ज़्यादा से आधा आधा घंटा होता है आधा घंटा आधा एक घंटा होता है ज्यादा मीनि फुल टाइम आई डोंट थिंक दैट सोशल मीडिया पर आप टाइम स्पेंड करो वो मीनिंगफुल नहीं है, है बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं, नहीं।, नहीं। हां आपने कोई फोकस तरीके से एक कोई वीडियो देखी किसी अच्छे पॉडकास्टर की वीडियो देखी हमारी जैसे ये वीडियो है वैल्यूएबल वीडियो है वो देखी तो उसको मैं मीनिंगफुल मानता हूं इफ यू आर लर्निंग हां एक दो लाख एक दो घंटा मैक्सिमम बट पर सात में से 2 घंटा माइनस किया 5 घंटा अभी भी स्क्रीन टाइम है वो कहां जा रहा है

पढ़ाई करता है कॉलेज जाता है सोचता है कि एक अच्छी जॉब मिलेगी राइट बट एक इंडियंस की कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स होती हैं जो हर कोई करता है एज अ इंडिविजुअल अब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा मेरी एक जॉब लग गई पच्चीस तीस हजार रुपये की बट ऐसी कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं जो मैं करूंग है करूंगा ही करूंगा तो वो कौन सी ऐसी तीन फाइनेंशियल बड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं जो एक इंडिविजुअल करेगा ही करेगा और हम उसको बता सकते हैं कि वो ना करें क्या है वो ऐसी हो सकती है मिस्टेक देखिए सबसे पहली चीज मैं कहूँगा कि डोंट इन्वेस्ट विदाउट लर्निंग ओके और यह सब करेंगे hmm. जो भी आएगा 24 साल पढ़ाई करता है hmm. और बाद में वो डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है या एम बी ए करता है right, करता. एक -एक डिग्री के लिए चार से पांच साल निकालता hmm. है पर स्टॉक मार्केट में आके एक रुपए की पढ़ाई नहीं करता बिल्कुल <laughs> स्टॉक मार्केट में आके पता नहीं कैसे वो भगवान बन जाता है कैसे उसको सब कुछ पता होता है टिप्स कोई टपरी पर खड़ा है दो लोग चाय पी रहे हैं और साथ में टिप्स दे दिया रहे यार तूने वो खेरा देखे बहुत अच्छी पीएस कंपनियां खरीद ले कर ले तो प्लीज डोंट डू देट ठीक है रिस्पेक्ट द मार्केट डोंट डिस इट दिस इज योर हार्ड अर्न मनी आपकी तीस हज़ार की तनख्वाह है पैंतीस हज़ार की तनख्वाह है और आप उसमें से जो है शेयर्स खरीद रहे हो तो इसकी रिस्पेक्ट करो पैसों की रिस्पेक्ट है ना ये पैसा गवाना सबसे आसान है चेक लिखना सबसे आसान है बिल्कुल पैसा कमाना बहुत मुश्किल है आप सब मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ आपने एक लाख रुपये के शेयर्स खरीदे वो पचास परसेंट गिरे तो कितने वैल्यू गिरे गए एक लाख के एक पचास हज़ार पचास हज़ार अब पचास हज़ार से एक लाख होने को उसको कितना बढ़ना पड़ेगा फिफ्टी परसेंट हंड्रेड हंड्रेड परसेंट

आपका हार्ड एंड मनी किसी को भी उधार पे ना दे hmm, okay. हाँ आपने भी बहुत बार किया होगा मैंने भी किया सबके डूबे हैं तो वो क्या दोस्ती खराब होगी प्रॉब्लम होगी हाँ रिलेशनशिप्स खराब होंगे हो और क्या कहते हैं उसके बाद जो है प्रॉब्लम आप में आएगी और उसके बाद आप टेंशन में रहोगे स्ट्रेस में रहोगे दुखी रहोगे यार मैं इस पैसे को यहाँ डाल देता तो कितना अच्छा होता यहाँ डाल देता तो कितना अच्छा वो जम्पन्स चलते रहेंगे ठीक है तो ये आप मत करिए तीसरी चीज़ है आप एक फंड मैनेजर नहीं हो तो आप किसी का भी पैसा लेके ये उसको प्रॉमिस मत करो मैं तेरे को महीने का दो परसेंट तीन परसेंट चार परसेंट कमा के दे दूंगा वो आपका काम नहीं है काफ़ी लोगों को क्या होता है बाई चांस है ना उनके दो तीन महीने सक्सेस हो जाए इन्वेस्टमेंट में तो उनको लगता है अपुनिच है तो जब उनको वो फीलिंग आ जाए अपुनिच भगवाने वाले की तो उस टाइम पे उनको ये याद रखना चाहिए कि उनका फंड मैनेजमेंट काम नहीं है आप अपने पैसे पे जो करना है कर लो

सर अगर इंडिया की बात करें काफ़ी सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जो ग्रोइंग सेक्टर से रिलेटेड आती हैं राइट एंड मुझे ऐसा लगता है कि राइट right टाइम पे राइट right जगह पे अगर आप हो hmm. तो यू कैन ग्रो राइट तो अब जो नेक्स्ट डिकेड में कौन से ऐसे तीन सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको लगता है कि दैट इफ़ अ इंडिविजुअल इज मेकिंग इट्स करियर तो उसको पिकअप कर लेना चाहिए सीखना चाहिए उसके बारे में एंड दे कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी करियर क्या बात करें राइट ठीक है देखिए कोई भी जो सेक्टर इंडिया में आपको देखना है कि कौन पे किस पे किस में ग्रोथ के ज़्यादा स्कोप किस पे दाव लगाएं किस पे दाव लगाएं तो आप भारत में सबसे बड़ा स्पेंडर कौन है ओके okay. कौन है भारत में सबसे बड़ा स्पेंडर मतलब सबसे ज़्यादा खर्चा कौन करता है भारत में आई थिंक बिजनेस सरकार सरकार ओके okay. अड़तालीस लाख करोड़ का बजट है साल अड़तालीस करोड़ इस का स्पेशल बात करेंगे तो अड़तालीस लाख करोड़ का बजट है फिर सरकार बताती है मैं इस अड़तालीस लाख करोड़ में ये यहाँ डालूंगी ये यहाँ डालूंगी ऐसे बताती है राइट राइट तो जिस सेक्टर में वो सबसे ज्यादा डालेगी उसी सेक्टर में सरकार का सबसे बड़ा पुष है राइट यानी सरकार देख रही है कि यहाँ पर मेरे को फोकस करना है तो आप भी उधर ही फोकस करो ओके बहुत सिंपल है पाइड पाइपर की स्टोरी याद है ठीक है तो पाइड पाइपर बाँसुरी बजाता था पहले वो चूहों को लेके गया फिर बच्चों को लेके गया तो आपका पाइड पाइपर सरकार है वो जहाँ बाँसुरी बजाते हुए चला जाए आप उसके पीछे पीछे पीछे, पीछे पीछे चले जाओ आपको लगता है वो फोकस कर रहे हैं ज़्यादा ग्रीन एनर्जी पे तो आप ग्रीन एनर्जी में करियर बनाइए ठीक है अगर आपको लगता है कि वो फोकस कर रहे हैं ज़्यादा आज इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आप उसमें करियर बना सकते हो आपको लगता है डिफेंस पे बहुत फोकस कर रहे हैं तो वहाँ आप करियर बना सकते हो मेरे एक फ्रेंड है वो फ्रेंड में तो बहुत जूनियर है मुझसे एज में ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव होंगे ओके एंड ही बेसिकली गॉट इन टू वन ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज जो डिफेंस के स्टार्टअप्स को फंड करती हैं गवर्नमेंट बेस्ड है अच्छा और बहुत सारे स्टार्टअप्स आए क्योंकि गवर्नमेंट का मैंडेट है कि जितनी चीज़ें वो इम्पोर्ट कर रही है उसको मेक इन इंडिया हाँ मेक इन इंडिया करना है तो उसमें आज के लोकल इंडियन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है पाँच सौ करोड़ का ग्रांट भी देती है मतलब किसी को एक करोड़ का किसी को पचास लाख का डिपेंडिंग अपॉन द स्टार्टअप वो देती रहती है ग्रांट्स तो वहाँ वो था अब वहाँ वो था तो उसने बहुत सारी कंपनीज को असेस किया ग्रांट दिलवाए हेल्प करी और मतलब अच्छा काम किया एंड वन ऑफ द कंपनीज़ देन गॉट एक्सटर्नल फंडिंग और उसको पिकअप कर लिया वहाँ उसकी तनख्वाह पचहत्तर हज़ार थी यहाँ उसको ढाई तीन लाख रुपए की तनख्वाह लग गई पर प्राइवेट में आती अच्छा तो अब उसने क्या किया था वो तो सीधा एक सरकार की बॉडी के साथ काम कर रहा था जो आपका डिफेंस में काम कर रही है बिल्कुल पर क्योंकि डिफेंस में इतनी ग्रोथ थी तो एक कंपनी जिसको फंडिंग मिल गई उनको लगा यार ये बंदा सही है इसको समझ आता है इसको इको का पता है उठाओ इसको तो पचहत्तर हज़ार वो कमा रहा उसको ढाई लाख रुपये की तनख्वाह मिल गई तो क्योंकि वो राइट प्लेस राइट टाइम पर था बिल्कुल तो ये आपको, देखना करी थी और ये आपको देखना है कि गवर्नमेंट आज कहां खर्चा कर रही है वो आपको कहां पे फोकस तो है कहां आप सबसे आप बड़ा फोकस है गवर्नमेंट का कहावी सेक्टर ईवी है राइट तो ईवी में आप जाओ सेक्टर में आप जॉब करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो में करो तो आपके पास आज के दिन आज के दिन जितने विकल्प है ना मार्केट में उतने पहले कभी थे नहीं राइट एब्सोल्युटली राइट है ना टू फॉर अ करियर फॉर एनीथिंग जितनी अपॉर्चुनिटीज आज है हमारे दस साल पहले बीस साल पहले चालीस पचास साल पहले पेरेंट्स के टाइम पे तो कभी नहीं थी एंड इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कि दैट अगर आपको किसी सेक्टर को चूज करना है तो गवर्नमेंट की निगाहें जहाँ पर है बिल्कुल यू शुड गो सबसे ज्यादा खर्चा तो वही करती है ना अगर गवर्नमेंट ने यह तय कर लिया कि छह सौ गिगा के सोलर प्लांट डालने हैं तो वो तो डालेगी ना उसके लिए वो हर चीज पॉसिबल करेगी हर चीज़ उसमें स्किलिंग भी करेगी उसमें फंडिंग भी देगी उसमें नए नए ऑंट्रप्रेनर्स को प्रमोट भी करेगी अच्छी स्कीम्स भी देगी अब पावर परचेज अग्रीमेंट का एग्जांपल देता हूँ आपको क्या होता है कि समझो आप पावर बना रहे हो right. आपने एक मेगावाट का सोलर प्लांट डाल दिया hmm. अब पावर बेचनी है हर माल बिकता है बिल्कुल hmm. पावर में एक पावर परचेज अग्रीमेंट सरकार आपके साथ करती है अच्छा तीस साल का तीस साल का थर्टी okay. तो अगले तीस साल Achha, आपको अच्छा, माल बेचने की जरूरत नहीं लॉन्ग टर्म एक व्यापारी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आप तो जानते ही हो माल बेचना सेल्स तो माल तो बिका हुआ है यहाँ पे वो भी तीस साल के लिए परपेचुअल बिका हुआ है राइट साल बाद देखेंगे तो आज ये जितने बड़े प्लेयर्स बने ना वो इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने पावर में डाल डाल के पैसा डाल डाल के पैसा पीपीए कर दिए पावर परचेज एग्रीमेंट्स करे हुए हैं सरकार के बिल्कुल तीस साल बीस साल चालीस साल एंड आई थिंक जो हमारे कंट्री के टाइकूनस हैं दे आर वर्किंग पावर राइट right. आज अंबानी साहब भी पावर में आ गए राइट right. वो कहते हैं अगर देश को 400 सौ एनर्जी चाहिए तो मैं 160 तो मैं दूंगा बिल्कुल तो उनको पता है दिस इज द फ्यूचर रेवेन्यू है सरकार की नजरें कहां है रेवेन्यू हां बिल्कुल तो उनको पता है इसलिए तो सबसे अमीर है वो सबसे अमीर कौन है जो सरकार की नजरों के अलाइन करके काम करते हैं चाहे वो अडानी हो चाहे वो अम्बानी अडानी तो हो अडानी हो तो अंबानी हो उससे और भी लोग हैं जो मतलब कर रहे हैं ऐसा नहीं है जैसे जिंदल्स हैं जिंदल भी यही करते हैं बिरला बिरलाज हैं सब बड़े टाटा है राइट टाटा के पास सब कुछ है राइट तो ऐसा नहीं है वो लोग भी बिजनेस करना जानते हैं उसके बिजनेस के बाद कोई एंजॉय करता है कोई चैरिटी करता उनकी है उनकी चॉइस है बिल्कुल पर, 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 पर व्यापार तो व्यापार के तरीके से ही किया जाता है राइट अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें इंडिया में स्टॉक मार्केट पे सबकी हाईलाइट है क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएट हो रहा है एंड बहुत ज्यादा इस समय आप बोलोगे ट्रेंड है फॉर अ सोशल मीडिया थिंग बट एक ट्रेंड और भी है दैट इज फॉर क्रिप्टो करेंसीज एंड क्रिप्टो करेंसीज एक ऐसी चीज है जिसपे बहुत सबके मिक्स व्यूज है कोई कहता है कि दैट क्रिप्टो करेंसी को देखना ही नहीं चाहिए मतलब यू शुड नॉट लुक अप टू फॉर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स के लिए hmm. और कोई कहता है कि दैट दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कोई कहता है कि दैट uh, जो आपका बिटकॉइन है ये वन मिलियन तक जाएगा एंड कोई कहता है कि दैट इट्स इट्स होल शिट ये कुछ भी नहीं है hmm. बस ये एक चीज़ दिखाई जा रही है आपको एंड यू आर गेट ट्रैपिंग बस और hmm. कुछ भी नहीं है hmm. तो आपके इस पर क्या ओपिनियन है फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया स्पेसिफिकली इन इंडिया या वर्ल्ड वाइड इन इंडिया फॉर इंडिया देखिए आप एक बात समझिए मैं आज रिलायंस के शेयर और हो सकता है बहुत गाली पड़ेगी मेरे को इसमें मैं अगर रिलायंस का शेयर में इन्वेस्ट करता हूँ तो रिलायंस का शेयर जो है मेरे को पता है चेयरमैन साहब हैं उसके एक एंटरप्राइज पचास साल से चल रही है बिल्कुल मैं देख सकता हूँ उनके स्टोर्स हैं मैं देख सकता हूँ जियो के फाइबर है मैं जियो यूज़ करता हूँ वो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं जामनगर में उनकी हज़ारों एकड़ में रिफाइनरी है तो एक अंडरलाइंग बिजनेस मेरे को दिखता है तो मैं कहता हूँ ठीक है जी अंडरलाइन बिजनेस है प्रॉफिट जनरेटिंग बिजनेस है तो मैं इसके प्रॉफिट के बेसिस पे इसके कंपनी के शेयर खरीद लेता हूँ ठीक है क्रिप्टो में क्या है कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है। अब आप बोलोगे ब्लॉक चेन है ब्लॉक चेन एज अ टेक्नोलॉजी जो सिर्फ क्रिप्टो के लिए काम नहीं आती ब्लॉक चेन एज अ टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है ओके देखिए पास्ट को रीराइट करने का अधिकार भगवान ने भी अपने पास नहीं रखा बहुत बड़ी बात ठीक है राइट आप जो कर्म करते हो वो डेबिट क्रेडिट नहीं होते वो रह जाते रह जाते हैं क्रेडिट वालों का अलग से आपको क्रेडिट मिलता है डेबिट वालों की अलग से धुलाई मिलती है राइट <laughs> ठीक right. है तो भगवान साक्षात ने ये नहीं सोचा कि मैं आपके पास्ट को करेक्ट कर देता हूँ राइट right. पर इंडिया में बहुत सारे ऐसे भगवान से ऊपर लोग हैं जो पास्ट के रिकॉर्ड्स चेंज कर देते हैं hmm. चाहे वो लैंड के रिकॉर्ड्स हों ट्रांसफर्स के रिकॉर्ड्स हों मेडिकल रिकॉर्ड्स हों कोई भी फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स हों उसमें दस साल पहले जाएंगे क्योंकि पहले फिजिकल होता था छेड़छाड़ हो ठीक है डिजिटल हुआ तब भी कोई एक ही कंप्यूटर में रिकॉर्ड है उसका एक ही सर्वर में रिकॉर्ड है तो चेंज कर दिया तो ऐसा ना हो उसके लिए ब्लॉकचेन सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी सेंट्रलाइजेंट्रलाइज है ठीक है? है. Right. है तो डिसेंट्रलाइज है तो आप पता ही नहीं किसी को रिकॉर्ड क्रिएट हो गया इतने सारे नोड्स पे क्रिएट हो गया है कि कहीं पे भी उसको सारों को बैकडेट करना नामुमकिन है राइट एज अ टेक्नोलॉजी आई लव ब्लॉक चेन ठीक है हाव एवर बिटकॉइन में मेरे को कोई ऐसे अंडरलाइन नहीं दिख रहा जैसे इथीरियम है थियर में एक अंडरलाइन है okay. क्या अंडरलाइन है कि एक इकोसिस्टम है एल वन ब्लॉक है लेवल वन ब्लॉक है आज इथियम के ऊपर हजारों लाखों एप्स बन चुकी है right. जिन्हें डैप्स कहा जाता है डिसेंट्रलाइज एप्स hmm. आज जो वो हजारों लाखों एप्स बनी है उसमें ट्रांजेक्शन होते हैं और वो एप्स रियल रियल लाइफ प्रॉब्लम को, कर रही, हैं। हाँ। को कर रही है ठीक है डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम को सोल्व कर रही है बैकडेटेड वाली की प्रॉब्लम को सोल्व कर रही है बहुत सारे सप्लाई चेन वाले रूट जो है वो आज ब्लॉकचेन के हिसाब से चलते हैं ब्लॉकचेन चेन वहां पर काम आती है ब्लॉकचेन डॉक्यूमेंटेशन के काम को हल्का कर रही है उसके बेसिस पे इथेरियम के अंडरलाइन पे वो एप्स बन रही हैं तो मैं फिर भी कहूंगा कि चलो इथेरियम में कुछ समझ आ रहा है कुछ समझ है इथेरियम के ऊपर एक हमारी इंडियन कंपनी है बहुत अच्छी उसका नाम है पॉलीगॉन पॉलीगॉन तो पॉलीगॉन का समझ आता है पॉलीगॉन के ऊपर भी बहुत सारी एप्स बनी हुई है फेसबुक तक ने पॉलीगॉन के साथ काम किया हुआ है समझ आता है पर उसके अलावा शिवाइन नहीं समझ आता डॉज uh, कॉइन नहीं समझ आता uh, उसके बाद ये स्क्विड गेम्स कॉइन नहीं समझ आता और पचासो हजारों नहीं समझ मेरे को नहीं समझ आते मेरे बहुत अच्छे दोस्त है प्रतीक गौरी अच्छा हाँ फायर चेन के फाउंडर है तो आ, मतलब उन्होंने भी L1 ब्लॉकचेन ब्लॉक चेन क्रिएट करी आज हजारों ऐप्स उनकी उस पर बनी है उन्होंने अपना टोकन को लिस्ट किया है अभी अच्छा। रिसेंटली और अच्छा काम हुआ है उनका पर उधर ना एक दिखता है कि भाई जो काम है वो मतलब कुछ अंडरलाइन है उसमें तो पॉइंट ये है कि ये जो मीम कॉइन डॉज कॉइन ये सब है ना ये टोटली totally खराब है इनमें कोई अंडरलाइन नहीं कोई एसेंस नहीं है वेरस अगर आपकी जैसे आपको दिख रहा है इथियम में एक फाउंडर भी दिखता है उसका पूरा इको दिखता है फायर चेन में एक फाउंडर दिखता है उसका पूरा इको दिखता है पॉलीगॉन में एक फाउंडर दिखता है उसका इको दिखता है तो वहां बैठ करना फिर भी थोड़ा लॉजिकल है लॉजिकल है तीसरी चीज है वैसे आप ये समझ लो कि वॉरण डुफे कहते थे जो बात समझ नहीं आए उसमें निवेश मत करो <laughs> कहते हैं मतलब और लोगों को मजा क्या आ रहा है क्योंकि बिटकॉइन और ये सब है ना अचानक से वाइल्ड मूवमेंट्स देते हैं बिल्कुल तो ये ना कसीनों की तरह यूज हो रहा है बिल्कुल। से हजार डॉलर बढ़ गया दो हज़ार में आप पॉइंट ले सकते हो, हो बिटकॉइन का आपको लेना तो एक ही शेयर पूरा लेनायंस में नहीं ट्रेड कर सकते ये सारे रीजन है लोग बिटकॉइन कर रहे हैं या फिर ये सब क्रिप्टो कर रहे हैं अगर आपको समझ आता है तो जो मैंने एसेंस बताया उसको यूज करो तीसरी चीज इसमें एक और चीज समझ लो तीसरी चीज नहीं छठी चीज होगी वैसे एक और चीज आप ये समझो कि आप खाना खाते हो रोज खाना खाते हो आप कितनी बार रेस्टोरेंट जाते हो पाँच छः सात बार पाँच छः बार महीने में महीने में, में तीस दिन है हाँ। छः बार बाहर जा रहे हो तो यानी ट्वेंटी फोर डेज घर पे खाते हो सिक्स डेज बाहर खाते हो एट्टी परसेंट टाइम घर पे खा रहे हो बिल्कुल ट्वेंटी परसेंट टाइम बाहर खा रहे हो राइट इसी तरह अगर आप सौ रुपये इन्वेस्ट हाँ। कर रहे हो तो एट्टी परसेंट पैसा नाइन्टी परसेंट पैसा नॉर्मल स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट्स में डालो म्यूचुअल फंड्स में डाल दो गोल्ड बॉन्ड्स में डाल दो फेफडी में डाल दो जहाँ भी आपको डालना डालो ये जो दस बीस है उसमें उस आप फ्यूचर एंड ऑप्शन बिटकॉइन okay. उसके अलावा आपका पेनी स्टॉक्स कुछ लोगों को पेनी स्टॉक्स का बहुत शौक है सर दो रुपए का स्टॉक है अगर कल कोई बीस <laughs> रुपए हो गए तो मेरे मजे लग जाएंगे हाँ। तो ये सब आप करो पर वही छह दिन जैसे आप बाहर खाते हो वैसे ही आप बीस दस से बीस परसेंट अपने पैसे का इन लिमिट बिल्कुल अगर आप लिमिट के बिना चले गए तो आप मर जाओगे यार बिल्कुल तो आप मर जाओगे आपने जैसे बताया दैट स्टॉक हैज सम वैल्यू कि दैट कुछ बेसिस पे हम पैसा लगा रहे हैं कुछ देख के एनालिसिस करके हम पैसा लगा रहे हैं इन क्रिप्टो देर इज नो एनालिसिस बिल्कुल कहां से आया है उसमें भी जैसे मैंने बताया कि कुछ कंपनीज हैं जिनको आप देख पा रहे हो इथेरियम देख पा रहे हो फायर चेन देख पा रहे हो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स होंगे पॉलीगॉन देख पा रहे हो एंड इज नो रिकमेंडेशन की आप इसके कॉइन्स खरीदो या कुछ मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तो जीरो जीरो इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो जीरो जीरो जीरो

लोग एक्चुअली मैंने आपको एक कंपनी है, ने मेरे को अप्रोच किया था ओके okay. कि uh, क्योंकि क्रिप्टो क्रिप्टो के ये yes, में स्टेकिंग करके प्रोसेस होता है। hmm. तो वो स्टेकिंग करके वो कह रहे थे हम मतलब सबको बताना चाहते हैं कि तीस से चालीस परसेंट सालाना रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं बिल्कुल और आदमी दो हजार रुपए दे के तीन हजार दे के भी कमाया जा सकता है एंड वर रेडी टू पे मी अ वेरी हैंडसम अमाउंट फॉर ज्वाइनिंग इट ऑन माई सोशल मीडिया एंड मना कर दिया इतने लार्ज स्केल लूट नहीं मार सकते ओके <laughs> सर okay. अगर बात करें एक यंग प्रोफेशनल की जिसने अभी जिसकी नौकरी लगी तीस हज़ार रुपये की हुँ. और आज वो अपने उसके बड़े सपने हैं बड़े ड्रीम्स हैं आप मेरी बात कर लो आज अगर मैं तीस हज़ार रुपये महीने कमा रहा हूँ और मुझे कुछ वेल्थ क्रिएट करनी है और आई वॉन्ट टू अकम्पलिश माई ऑल ड्रीम्स क्या प्रोसेस होना चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका

अब आप क्या चाहते हो मिलियनेयर बनना वेल्थी बनना राइट ठीक आई वांट टू क्रिएट वेल्थ ठीक आपके पास क्या विकल्प है आज वेल्थ बनाने के सेम क्वेश्चन आई एम आस्किंग मैं कुछ क्वेश्चन मैं 30000 रुपए से राइट ठीक है अब आते हैं जब आप इन्वेस्टमेंट आपके आंसर आएगा इन्वेस्टमेंट्स का hmm. अब इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे विकल्प है एफडी से लेके ये बिटकॉइन सब कुछ ही है रियल hmm. एस्टेट भी है गोल्ड भी है गोल्ड भी है कमोडिटीज भी है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी है स्टॉक मार्केट भी, भी है म्यूचुअल फंड्स भी है म्यूचुअल फंड में दस तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं बहुत or कुछ है चालीस पचास इंस्ट्रूमेंट्स है और इवन आई कैन स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस हाँ छोटा व्यापार भी, भी कर सकता हूँ मैं साइड हसल भी कर सकता हूँ okay. बहुत कुछ कर सकता हूँ right. राइट right. तो मैं आपको बताता हूँ आप पहली चीज वो करो जो आपके हाथ में है okay. ओके आपके हाथ में क्या है आपके हाथ में है अपनी तीस हजार की तनख्वाह को एक लाख करना अगले तीन साल में नो no. ये आपके हाथ में ना बिल्कुल कैसे स्किल्स बेटर करो स्किल्स बेटर मैनेजर बनो लीडर बनो यहाँ पे फोकस रखो पहले अपने एरिया में मास्टर बनो बिल्कुल पहले अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाओ ओके okay. इंक्रीज आज income. से छह साल पहले का प्रतीक और आज का प्रतीक आप कितना एस, तब कितना एसआईपी कर सकते थे आज कितनी एसआईपी कर सकते हो मुझे बताओ जरा अगर मैं उस समय तीन हजार कर सकता था तो आज आज मैं तीस हजार भी कर सकता हूँ पचास हजार भी कर सकता हूँ तब आप तीन हजार करने में आपको एक बार एडी चोटी का दम लगता है बिल्कुल लगता। आज आप कह रहे हो पचास हजार भी कर सकता हूँ कितने गुना हो गया पंद्रह करियर बिकॉज आपने अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाई राइट हो सकता है उस टाइम आपकी एक्टिव इनकम बीस थी हो सकता है आज आपकी एक्टिव इनकम दो लाख है मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ आई डोंट नो एक्टिव इनकम बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि छह साल के अंदर

कि मैं कंटिन्यूस कितनी इन्वेस्टमेंट कर आप कितना आप कितना डालोगे और कितनी देर डालोगे आपके हाथ में हाँ, क्या मार्केट के रिटर्न्स आपके हाथ में है नो no. मार्केट तो आपके हाथ में नहीं, नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो क्यों वरी कर रहे हो मार्केट क्या रिटर्न देगी <laughs> ये भी ठीक है क्यों वरी कर रहे हो मार्केट क्या रिटर्न देगी जब वो चीज़ आपके हाथ में ही नहीं है तो उसके बारे में वरी क्यों करना बिल्कुल आपके हाथ में ज़्यादा पैसा डालना ज़्यादा देर डालना बिल्कुल डालो आपकी वेल्थ क्रिएट होगी दी आंसर इज एज सिंपल एज दिस देर इज एन अमेजिंग पार्ट इन द कॉन्वर्सेशन विच आई लव द मोस्ट

मेरा फंडा था जो कमाऊंगा उसका पांच परसेंट मेरे अपस्किलिंग में जाएगा और मेरा भी बेस भी बहुत बड़ा था मतलब आई वाज एट सैलरीज ऑफ अपर्स ऑफ क्रोर तो पांच पांच लाख में अपने अपने ऊपर डालता था और उसका रीजन है कि मैं यहां करोड़ तक पहुंचा भी क्योंकि भी जब मैं दस लाख कमाता था तब भी मैं पांच परसेंट डालता था बीस लाख कमाता था तब भी पांच डालता था पचास लाख कमाता था तब भी पांच डालता था एंड And a and a आप लोग सारा बोझ मार्केट पे डाल रहे हो कि मार्केट से मैं रिटर्न का। का मार्के आठ परसेंट। परसेंट। साल से कर रहा हूँ नौ साल से कर रहा हूं हाँ, रहा। रहा। मैंने तो देखता भी नहीं हूं मेरे को पता है कि 20 साल के होराइजन में 12-13 तो परसेंट बन जाएगा उससे ऊपर जो मिला भगवान की कृपा अपने वो अपना अधिकार नहीं था बिल्कुल वो सिर्फ भगवान की कृपा थी हमारे पे तो जब आप ऐसा ही भी कर रहे हो तो आपका मेरा फोकस ये नहीं है कि बारह परसेंट बारह परसेंट से ऊपर आएगा भगवान की कृपा है पर मेरे बारह परसेंट की उम्मीद है तो जिस रिश्ते को आपको लंबा निभाना है ना उसमें कम उम्मीद रखो जिस रिश्ते को आपको लंबा निभाना है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है पति पत्नी का है भाई बहन का है कम उम्मीद रखो सामने वाले से अगर आपको स्टॉक मार्केट में भी पैसा कमाना है लंबे समय तक कमाना है तो उम्मीद बारह की रखो उससे ऊपर आएगा दैट इज गॉड्स ग्रेस टू यू नहीं था। भी नहीं पहले -पहले -पहले था, बंद कर दिया ओके। मैं ही पी करता क्योंकि वो भी पी। तो स्टॉक ही खरीद रहे बिल्कुल और मुझसे ज्यादा उसमें अंडरस्टैंडिंग है उसके पास क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन मेरे से ज्यादा है वो इमोशनल नहीं है कोई स्टॉक नीचे जा रहा होगा तो वो फटाक से बाहर कर जाएगा तो हमारा जो एक ही फोकस है वो है एक्टिव इनकम को मल्टीप्लाई करो यही चीज आपके कंट्रोल में आज ये आ गया आपने कितने कोर्सेज किए बिल्कुल भी नहीं क्यों नहीं किए मैं कर चुका हूं क्यों नहीं किए क्यों नहीं किए क्योंकि आप क्या है लाचारी करना चाहते हो आप चाहते हो मेरा बोझ है ना स्टॉक मार्केट ले ले और स्टॉक मार्केट मेरे को 40 परसेंट के दे दे क्यों क्या है आपकी राइट <laughs> <Right. laughs> तो आपका फोकस एक ही है आप अपने आप को कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहो अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाओ एक्टिव इनकम से ज्यादा पैसे डालो इन्वेस्टमेंट में और ज्यादा देर के लिए डालो बिल्कुल तो जब आप ज्यादा नहीं कमाना चाहते आप ज्यादा देर कमाना चाहते हो तब आप ज्यादा भी कमा लो मुझे तो लगता है ये पॉडकास्ट लोगों के लिए करियर गाइड होने वाला है <laughs> क्योंकि स्टार्टिंग uh, में हमने बात कर ली इन विच सेक्टर्स यू कैन गो हाँ एंड फिर हम हम बात कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन पे बिल्कुल एंड मुझे लगता है यही लैग है कि लोग सही अपॉर्चुनिटी नहीं देख पाते और लोग सही चीज को नहीं समझ पा रहे कि लैग कहाँ पर है एक्चुअली उनकी एक्टिव इनकम कम है क्योंकि वो खुद पे वर्क नहीं करना चाहते ना लाचारी है।, लाचारी है लाचारी है लाचारी है मैं क्यों मेहनत करूं मेरे से क्यों अपेक्षा कर रहे हो तो क्या है कि सबसे आसान तरीका ढूंढते हैं आप मुझे बताओ कि लॉटरी की टिकट कहाँ बिकती है गरीबों में बस्तियों में बस्तियों में बिकती है कभी आपने ओबरॉय होटल में देखा है नो लॉटरी वाले ने वहां दुकान लगा लिया है नहीं ठीक है कभी आपने देखा ताज होटल में बैठा है कोई लॉटरी वाला दुकान लगा के <laughs> नहीं क्योंकि वहां उस मानसिकता के लोग नहीं आते राइट oh, right. एक व्यक्ति जो दस बारह हजार रुपए कमा के चौल में रह रहा है अपने ऊपर वर्क नहीं करना चाहता चौल में भी बहुत लोग हैं जो अपने ऊपर वर्क करते हैं बिल्कुल हर्षद मेहता चौल से निकल के आए थे बिल्कुल पागल थे ऑब्सेसिव थे ऑब्सेस था कि मेरे को कुछ करना है लाइफ में आते हैं चौल से भी निकल के हीरो आते हैं पर आप अगर ये सोच रहे हो कि समाज मेरे को वो नहीं दे रहा तवज्जो नहीं दे रहा यहां देखो इंस्टाग्राम में बारह बारह साल के बच्चे पंद्रह पंद्रह साल के बच्चे लोग उनको पसंद कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं आप अपने ऊपर क्या कर रहे हो वो अगर आज कंटेंट भी क्रिएट कर रहा है ना मुझे पता है आपको पता है कंटेंट क्रिएशन में कितनी जान जाती है बिल्कुल एक रील बनाने में सला दो घंटे दो निकल जाते हैं लोगों को सिर्फ थर्टी सेकेंड सिक्सटी सेकेंड दिखता है हमारी जो हालत होती है हमें पता है राइट तो आपकी लाचारी जो है ना उसका बोझ किसी और पे मत डालो आप मार्केट्स पे डालते हो बिल्कुल कि और की आप फिर गलती करते हो आपको समझ लगता है कि मैं कोई ऑप्शन खरीद लू कॉल ऑप्शन खरीद लू बीस रुपए का और वो दो सौ हो जाए मार्केट क्यों कुछ नहीं तुम्हारी राइट मार्केट किसी की नहीं सुनती अश्लीर ग्रोवर का एक बार से बहुत फेमस डायलॉग है कि दैट अपनी अपनी गलतियों के मार्केट पे मत डालो कि मार्केट सॉल्व कर देगी बिल्कुल क्यों सॉल्व करेगी अपने आप को द ओनली थिंग यू कैन इंप्रूव इज योर सर सर देखिए स्ट्रेस का एक डेफिनेशन होता है लोगों को स्ट्रेस आता है फिर वो सुसाइड करते हैं स्ट्रेस का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स विच यू कांट कंट्रोल एंड नॉट एक्टिंग ऑन थिंग्स विच यू कूड हैव एक्टेड अपॉन मैं बहुत बड़ा ऑप्शन हूँ hmm. मेरा करोड़ों का कैपिटल लगा होता है ऑप्शन आपको क्या लगता है मैं हमेशा सही होता हूँ नहीं सकता भगवान थोड़ी राइट right. पर जब गलत होता हूँ ना अपनी गलती मान के बाहर हो जाता हूँ बिल्कुल <laughs> जिसे हम स्टॉप लॉस कहते हैं hmm. ताकि सुपड़ा साफ ना हो जाए पता चला पैसे ही खत्म हो गए पैसे ही खत्म हो गए तो मैं अगर ऑप्शन ट्रेडर भी हूँ ना तो मैं रीजनेबली डिसिप्लेंड मैं रीजनेबली डिस ऑप्शन ट्रेडर हूँ Absolutely. और इसलिए मैं रिटर्न कमा पाता हूँ राइट right. मैं वो दस परसेंट दू जिसकी बात नहीं करता <laughs> सभी uh, नब्बे right. <laughs> <पैसे, laughs> मैं वो दस परसेंट दू क्योंकि लास्ट ईयर मैंने प्रॉफिट किया था इस साल भी मैं प्रॉफिट दू भगवान की कृपा मतलब आई एम नॉट बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू आई एम नॉट बोस्टिंग बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि डोंट डिपेंड ऑन स्टॉक मार्केट्स फॉर योर अर्निंग बिल्ड योर करियर बिल्ड योर करियर आप अपने करियर में मेहनत करो स्टॉक मार्केट्स विल फॉलो राइट मैं अगर आज मैंने 2008 में दो हजार रुपए की एस आई पी की दो हजार चौदह में तीस हजार रुपए की एस आई पी की आज मैं तीन लाख रुपए की एस आई पी करता तो वो क्यों है मार्केट्स की वजह से नहीं है मार्केट से तो मैंने एक रुपया नहीं निकाला बिकॉज एक्टिव इनकम ग्रो हुई एक्टिव इनकम ग्रो हुई हमने ज्यादा पैसा इधर डाला हाँ और जब ज्यादा पैसा इधर डाला ग्रोथ चली रही थी ज्यादा समय के लिए डाल दिया मैटर खत्म तो आप लोगों के लिए एक नंबर वन एडवाइस है दैट बिफोर इन्वेस्टिंग समवेयर एल्स

फर्स्ट मंथ की जो अर्निंग ओनली एंड धीरे 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 ग्रेजुअली होती रही एंड लास्ट ईयर जो मेरी बट अगर हाँ आप अपने आप पे काम करते जाते हो करते जाते हो तो डेफिनेटली वो किसी स्टॉक से ज्यादा ही पैसा बहुत ज्यादा देगी और अब बिकॉज यू आर कैन इन्वेस्ट टू लाख रुपीज रूपीज तो ऑटोमेटिकली आपका कॉर्पस बढ़ जाए भाई चाय में जितनी ज्यादा चीनी डालोगे उतनी तो, तो मीठी होगी बिल्कुल बिल्कुल रॉ मटेरियल फॉर स्टॉक मार्केट इज मनी मनी कैपिटल कैपिटल उधर ही शायद लोग वो कर जाते आ, हैं उनका, उनको लग रहा है कि यार मेरे को रिटर्न, मिल जाए। रिटर्न आपके कंट्रोल में है ही नहीं वो, पर पैसठ साल के लिए आपने दस हजार डाला होता वारन बुफे के फंड में hmm. उन्नीस सौ पैसठ में आज कितना होता सिर्फ दस हजारेड करोड़ प्लस दिस इज दिसम इन्वेस्टमेंट

दो चीजें करें यस yes. ठीक है पहली करें ये इंश्योर करें कि स्किल्स इतनी अच्छी करें कि हर साल उसकी 10 से बीस परसेंट से 15 परसेंट बढ़ जाए ओके okay. पहली चीज ये इंश्योर करें ठीक है दूसरी चीज ये इंश्योर करें कि अपने कॉर्पस में से हर बार पच्चीस से तीस पैसा निवेश करे hmm. तीसरी चीज ये इंश्योर करें थोड़ा ज्यादा प्रपोर्शन स्मॉल एंड मिड कैप में रखे क्योंकि वो यंग है लगे सिक्सटी परसेंट तकेंट तक स्मॉल एंड मिड कैप में रखे 20 परसेंट के आसपास लार्ज कैप में रखे hmm. 10 परसेंट के आसपास पैसिव इनकम फंड में रखे और अगर ये काम उसने 40 साल कर दिया उसके पास सौ करोड़ होंगे हंड्रेड करोड़ हंड्रेड करोड़ होंगे दिस इज सो अमेजिंग दिस इज सो इजी सो इजी बट पीपल विल नॉट डू इट डोंट वरी बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट रिच टूडे आजीवन से आप समझो आप एक जन आप एक फैमिली में पैदा हुए hmm. फैमिली अमीर नहीं थी गलती तो आपकी नहीं है hmm. आपको भगवान ने जो इस जन्म का देना था स्टार्टिंग पॉइंट देना था कुछ लोग को जीरो से देता है कुछ को हंड्रेड से देता है कुछ को माइनस से देता है वो तो आपके पिछले कर्म कुछ होंगे मैं उसमें तो आप मैं कोई कुछ नहीं कर सकता बिल्कुल पर अगर आपको ये पता है कि आप अपने आने वाले पुश्तों का एक पुश्त एक एक जनरेशन को तो पेन लेना पड़ेगा ना बिल्कुल धीरू भाई ने पेन लिया ना क्या जिंदगी रही होगी बेचारे वहाँ से भागे इधर सेम्प इतना वहाँ लेके तो एक जनरेशन ने तो खतरनाक पेन लिया बिल्कुल मुकेश अंबानी अनिल अंबानी चड्डी बदल के स्कूल जाते थे सेम सेम सुबह शाम को उतना पेन लिया तो जाके जनरेशनल वेल्थ बनी तो एक जनरेशन पेन ले लो ना यार बिल्कुल आप 20 साल के हो 60 साल तक डालो ना पैसा शांति से अच्छा आप सोचो कितनी मजेदार लाइफ है आपके माइंड में कंफ्यूजन ही नहीं है right. you,

करके बैठ जाओ हाँ कुछ फंड में ऊपर नीचे होता है कुछ होता है तो हो सकता है कुछ रीबैलेंस करना हो तो हर दो तो, तीन महीने में एक अब आप सोचो, आप के हुए। हुए। आपके बच्चे तीस के हो गए उनके पास सौ करोड़ रुपए रूपए और अगर मैं कोई भी बिजनेस करने जाता हूँ कुछ भी करता हूँ आई कैन लूज मनी है अच्छा जैसे आज मैं फोर्टी में रिटायर हुआ फोर्टीन में एक्चुअली थर्टी एट पर रिटायर हो गया था थर्टी एट भी नहीं एक्चुअली मैं थर्टी फाइव पर रिटायर हो गया था मेरी लास्ट वर्किंग मेरी खुद की चॉइस थी मैं थर्टी फाइव पर भी अगर हैंग हैंंग करता था रिटायरमेंट है कि आपको पता ही नहीं चला कब रिटायर हो, हो गया <laughs> तो फोर्टी आप थर्टी एट पकड़ लो चलो hmm. तो थर्टी एट अगर आप रिटायरमेंट पकड़ते हो मेरी तो आज मेरे पास इतना कॉर्पस है कि मैं नया बिजनेस क्रिएट कर सकता हूँ अपने लिए मुझे उसके लिए फंडिंग ढूंढनी नहीं पड़ेगी मुझे कोई वीसी के पास नहीं जाना पड़ेगा आई कैन स्टार्ट विद माई ओन कैपिटल ओन हंड्रेड परसेंट ऑफ माई ओन कंपनी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ठीक है तो बहुत सारे फायदे हैं और एक बार आप दो तीन करोड़ चार करोड़ के लेवल पे आपका फंड आ गया विच विल बी सो दिस सेम गाय विल ओनली हैव थ्री करोड़ रुपीज एट द एंड ऑफ ट्वेंटी ईयर्स बट एट द एंड ऑफ फोर्टी विल हैव हंड्रेड करोड़ रुपीज अब वो 100, जर्नी 100, जो है ना वहां मतलब आदमी को लगता है यार अब हो गया एंड कभी कभी ऐसा लगता है कि दैट मेकिंग मनी इज सो इजी बट पीपल डोंट नोइंग इट तो वो टफ बन देखो बोरिंग क्या होता है, है कि आपको मनी के साथ एक ही चीज करनी है बोरिंग बोरिंग थिंग मेक मनी उसका एग्जाम्पल देता हूँ हमदर द्रु अफ्जा इट मेक्स मनी राइट वाट इज हमदर द्रु अफा मेक मनी आज तक हमदर द्रुअ अफजा का ना उसने रैपर तक नहीं बदला बॉटल सेम सिर्फ बोर्ते सिर्फ कांच का प्लास्टिक किया उसने करोड़ का रेवेन्यू है सिर्फ एक प्रोडक्ट है प्लस देव थ्री फ्यू मोर प्रोडक्ट बजाज आलमंडयर ऑयल कंपनी है ठीक है दो तीन प्रोडक्ट्स हैं उनके बिल्कुल जिसमें से 90 परसेंट रेवेन्यू एक प्रोडक्ट से आता है बोरिंग वर्क it ना रोज ऑफिस में वो आ रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर आज क्या करना है तेल बेचना है आज क्या करना है तेल बेचना है आज क्या करना है तेल बेचना एक ही एक ही चीज पे बात हो रही है तो आपका फोकस ही नहीं हटता

हम लोग बता रहे हैं आपको कैसे करना है अच्छा लोग सुनना चाहते हैं मुझसे कि भाई संजय सर आपने मतलब उनको अगर ये बोलता ना कि मैंने ये दस करोड़ क्रिप्टो से कमाए हैं तो मेरी एक एक वीडियो पे बीस बीस मिलियन व्यूज होते हैं पर मैं बोरिंग काम बता रहा हूँ भाई कि नहीं किया मैंने क्रिप्टो जो रोज करना छोटा मैंने आज तक एक पेनी स्टॉक नहीं खरीदा <laughs> स्टॉक खरीदे थे पहले पेनी स्टॉक कभी पेनी वो लॉटरी की दुकान ढूंढता है कि मैं दस रुपए डालू और मेरे को सौ रुपए बन जाए और अगर उसको वहां फिजिकल लॉटरी की दुकान नहीं दिख रही तो उसको स्टॉक मार्केट दिखता है कि यार कोई पेनी स्टॉक मिल जाए संजय जी कोई बताओ ना यार चार पांच रुपए का स्टॉक जो कल को चार हो जाए

आज YouTube पे इतने फ्री कोर्सेस है वो देख लो यार किसी को मत पैसा दो पर सीख तो लो सीख लो मैं अपना कोर्स बेचने नहीं आया मैं है, सीख लो एटलीस्ट हाँ, फिर स्टार्ट करो अच्छा फिर स्टार्ट करो छोटा स्टार्ट करो क्या कहते हैं डोंट टेस्ट द डेप्थ ऑफ टॉटर विद बोथ द फीट एक पैर डाल के देखो थोड़ा स्टॉक hmm. खरीदो विन आएगा कॉन्फिडेंस आएगा फिर अगला स्टेप लो फिर अगला स्टेप slow, फिर मल्टीप्लाई करो आज ही क्यों करना है सब कुछ यार ये वही बात होगी ना जिसने मार्च अभी खा लिया वर्सेज मार्च में मिनट बाद खाया uh, मेरे मेंटर एक बात बोलते ही जीतेगा खरगोश नहीं जीतेगा हाँ, कहीं -कहीन पिटेगा बहुत बुरी तरह कछुआ धीमे, धीमे, धीमे। मैंने क्या बोला चालीस साल में सौ करोड़ आदमी जिसकी तंखा कितनी है पच्चीस हजार रुपए मिलेगा अचीवेबल है वेरी अचीवेबल विद वेरी कॉन्जर्वेटिव रिटर्न

अभी जितना करियर स्टार्ट कर रहे हैं यंग प्रोफेशनल्स हैं बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा कमाया है अब दे दे इन्वेस्ट तो व्हाट शुड चूज रियल स्टेट और स्टॉक मार्केट देखिए वापस मैं वही मैं बहुत सिंपल बात कहूंगा इसको हम कहते हैं हमारे फाइनेंस में एसेट एलोकेशन हर इन्वेस्टमेंट का एक गोल होता है अगर आज आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है आपके पास पचास लाख सॉरी आपके पास पचास लाख स्पेयर पड़े हैं आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है आपको लगता है ये पैसा मैं दस साल के लिए कमिट करूंगा मेरे को प्रॉब्लम नहीं है आपको एक अपकमिंग एरिया दिखता है वो अपकमिंग एरिया में आपको लगता है कि प्रॉपर्टी के प्राइजेस बढ़ सकते हैं रियल एस्टेट बढ़ सकती है एक प्रॉपर सोसाइटी है रेरा अप्रूव्ड है डेवलपर अच्छा है आपको अपॉर्चुनिटी सही लग रही है कोई रोड निकलने वाली कुछ नहीं आप डाल दो पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपका विजन बड़ा है आपको लिक्विडिटी की नीड नहीं है आपने पूरी ड्यू ड्यूडिलीजेंस कर ली क्योंकि रियल एस्टेट का सबसे बड़ा पंगा ये है वो इलिक्विड एसेट है

और आप उसमें एटलीस्ट तीन से पांच साल का कमिटमेंट कर सको रियल स्टेट में टाइम लगता है रिटर्न आने में तो ये है अगर आपके पास वो पैसा नहीं है तो रियल एस्टेट की तरफ मत देखो अपना म्यूचुअल फंड्स पे रहो गोल्ड बॉन्ड में डाल दो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में डाल सकते हो वो अच्छा रिटर्न्स दे देता है आपको हाई पेइंग एफडीज होती हैं कुछ उनका रिस्क असेस कर लो कि भाई ठीक ठाक कंपनी का है जैसे मैं बताता हूँ इट्स नो एडवर्टाइजमेंट बड़ी कंपनीज़ का नाम ले रहा हूँ एच बैंक है श्रीराम फाइनेंस है बजाज uh, फिनसर्व है ये सारे अपने अपने हाई वैल्यू एफ जो नॉर्मल एफ से दो ज़्यादा लेके आते हैं उसमें डाल दो आपका पैसे फंड भी क्रिएट हो जाता है ठीक है कभी कभी गवर्नमेंट टैक्स फ्री बॉन्ड्स लेके आती है उनमें निवेश कर दो तो इंस्ट्रूमेंट्स की कमी नहीं है पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करो कि मेरे को चाहिए, चाहिए क्या, क्या? मुझे क्यों चाहिए मुझे क्यों ये पैसा मतलब मैं, तो मैं किस चीज के लिए निवेश कर रहा हूँ आपको लगता है जी मेरी बेटी हुई है आज मैं बेटी के नाम पे एक प्लॉट ले लेता हूँ पचास लाख का बीस पच्चीस साल की होगी शादी होगी वो पचास लाख का प्लॉट जो है पांच तो करोड़ का हो चुका होगा उसकी शादी के काम आएगा डन कर लो पर आपको फिर पच्चीस साल वो पैसा चाहिए नहीं चाहिए नहीं वो पच्चीस साल फिर आप भूल जाओ कि वो चीज आपके पास है मेक श्योर दैट वो लिक्विड नहीं मतलब आपको वो लिक्विडिटी की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है सबसे लिक्विड है लिक्विड एंड रिस्की रिस्क स्टार्टअप पर अगर आपके पास कॉर्पस बड़ा है तो वही है कि आप देखिए कुछ लोगों के लिए कॉर्पस इतना बड़ा होता है किसी का दस करोड़ का कॉर्पस है उसके लिए सौ करोड़ का कॉर्पस है उसका दस परसेंट दस करोड़ होता है।, है तो वो तो यही कहेगा ना भैया मेरे पास तो दस परसेंट है सर अच्छा आपका दस परसेंट डालो आपका कॉर्पस कितना है सौ करोड़ है अच्छा तो दस करोड़ में स्टार्टअप्स अच्छा, में डाल दूंगा तो वो डाल सकता है भाई तुम नहीं डाल सकते

रन में आपके पास आपको लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है तो यू कैन आपका कौन से पैसे की क्या जरूरतें हैं उसके हिसाब से आप अपना एलोकेशन कर दो बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन सर अगर मैं आपसे एक बात पूछूं जैसे आप स्टॉक मार्केट में लंबे टाइम से इन्वेस्ट करते आ रहे हो हाउ मच मनी यू हैव मेड इन स्टॉक मार्केट आई हैव नॉट मेड एनीथिंग डायरेक्टली फ्रॉम स्टॉक मार्केट आई हैव मेड व्हाटएवर आई हैव मेड इज फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स ओके म्यूचुअल फंड्स म्यूचुअल फंड्स एंड माय ऑप्शंस ट्रेडिंग से मैं पैसा okay.

ये मानसिकता ये ये वो बंदा भी बोल सकता है जिसके पास पूरे ही एक करोड़ है क्योंकि मैं वो चीज कर रहा हूं जो मैं जानता हूं इसलिए मैं उसके लॉस से डरता नहीं हूं मेरे को दिसंबर में दस लाख का लॉस हुआ था उसके छह महीने में मैंने पचास लाख कमा लिया तो मेरे को पता है मैं कमा सकता हूं इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को मेरे पे मेरी स्ट्रेटेजीज पे मेरी थॉट्स पे और जहां मैं गलती करता हूं मैं सीख भी लेता हूं यार गलती हो गई अपने मैदान नहीं छोड़ के भागता

उसमें से सत्तर परसेंट लोग पैसा नहीं कमा रहे तो आप समझो कि तो पहले सीखना पड़ेगा वो तीस परसेंट जिनको आता है, जिनको, जिनको हाँ, जो, जो तो हमें <laughs> okay, बात करें अभी कुछ ही दिन पहले हमारा बजट आया ट्वेंटी जो अगले पांच साल के लिए अप्लाई होगा इंडिया के ऊपर उस पर आपके क्या व्यूज बार मिडिल क्लास शायद वर्क बहुत नाराज हुआ है गवर्नमेंट से क्योंकि उनको बहुत ज्यादा अपेक्षा थी कि उनके लिए सरकार कुछ करेगी बट इस बार भी दो क्लासेस के लिए हमेशा वर्क होता है एक है रिच क्लास और एक है पुअर क्लास बट बीच के जो फंसे रह जाते हैं, is, जो के रेंज में आते हैं आपकी तो क्या ओपिनियन so, मैं इसको एक कहानी के माध्यम से आपको बिल्कुल हाँ, एक परिवार है जिसमें पांच बच्चे एक बच्चा कमाता है चार बच्चे नहीं कमाते हैं उस परिवार के माँ बाप किस पे ज़्यादा ध्यान देंगे एक बच्चा कमाता है पाँच एक ही बच्चा कमा पा रहा है चा, बाकी चार बिल्कुल नहीं कमाते नहीं। चार पे देंगे बस यही हमारे देश में हो रहा है कि आज हमारे यहाँ अस्सी करोड़ लोग हैं जो आ, फ्री राशन पर डिपेंड करते हैं ठीक है पर कमाऊपूत जो है वो मुश्किल से चार पाँच करोड़ लोग हैं जो कमा के टैक्स दे रहे हैं तो निर्मला सीतारमन जो हमारे देश की माँ है तरीके से राइट वो किस पे ध्यान देंगे कि ये 80 करोड़ का पेट भरता रहे इनको रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ मिले इनको इस तरीके का मौका मिले कि ये कुछ काम करके पैसे कमा सके क्योंकि अगर माँ ने उन चार बच्चों का ध्यान नहीं दिया तो वो चार बिगड़ जाएंगे घर घर गलत काम करेंगे घर में उत्पात मचाएंगे और सिमिलरली यहाँ पे वो 80 करोड़ लोग जो पैसा नहीं कमा पा रहे जिनके पास कोई विकल्प नहीं है अगर उनको खाना नहीं पहुँचा तो वो 80 करोड़ एन ला देंगे सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट कर देंगे इंटरनल देश का टुकड़ा हो जाएगा कि अगर उनका ध्यान नहीं रखा गया तो आप और मैं कमाऊ पूत हैं हमारा फर्ज बनता है कि हम जो दें वो इस देश के उन बच्चों के काम आए वो हमारे मतलब देश के उस बच्चों के काम का आए जो नहीं कमा पा रहे नहीं कमा पा ठीक पा है? है इस टाइम वो रेशियो खराब है कम कमाऊपूत है ज़्यादा बच्चे ऐसे हो रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम कमाऊपूत को ज्यादा आ रही है अगर यही आठ चार पांच बच्चों की जगह उस परिवार में दस बच्चे होते तो कमाऊपूत बेटे की और हालत खराब हो रही होती पर कमाऊपूत रो नहीं सकता क्योंकि भगवान ने उसको वो मौका दिया है कमाने का आप सोचिए हम उस अस्सी करोड़ में होते <laughs> तो आई वुड रादर बी मिडिल क्लास और अ रिच पर्सन पेइंग मोर टैक्सेस देन बींग अ पुअर पर्सन डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट एंड सम फ्री फ्रॉम दैम मैं आज अपनी सिचुएशन को चालीस परसेंट टैक्स देने के बाद भी खुश हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं right. क्योंकि भगवान ने आज भी मुझे अच्छी लगती है मैं आपके साथ इस कमरे में बैठ सकता हूँ लाइफ एंजॉय कर सकता हूँ mm. वो नहीं कर पा रहा जो गाँव में लड़का बैठा है बिल्कुल mm. तो मेरा परस्पेक्टिव बहुत अलग है बजट को लेकर दूसरी चीज़ है हमारे कोई भी घर के बजट में आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया अगर होता है mm. तो वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है mm. हमारा भी वही हाल है हमारा रेवेन्यू बत्तीस लाख करोड़ का है हमारा खर्चा 48 लाख करोड़ का 48 48 एट सोलह लाख करोड़ का गैप है ये 16 लाख करोड़ उधार से आएगा Hmm. तो सरकार पे हर साल ज्यादा उधार चढ़ते जा रहा है hmm. आज 48 लाख करोड़ के खर्चे में से दस लाख करोड़ का ब्याज जाता है।, है।, okay. है तो पता है क्या अभी जो लोग मिडिल क्लास है या जिनपे इंपैक्ट आ रहा है वो ना होलिस्टिकली सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे और वो ये नहीं कह सकते कि हमें फायदा मिल गया तो अगर उसको फायदा नहीं मिले तो क्या क्योंकि वो अमाउंट इतना बड़ा है नीचे जो ना नाकमाउप बच्चे इस टाइम पे हैं वो इतना बड़ा क्वांटम है वो देश को खत्म कर सकते हैं अगर उनका ध्यान नहीं दिया गया तो बजट जो है वो सोशल जस्टिस को भी मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है कि सोशली सब एक ठीक रहे इक्वालिटी की बात नहीं हो रही कि भाई मेरे पास जितना पैसा हो उतना भी सबके पास पैसा हो पर बात यह हो रही है कि ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि एनआरकी क्रिएट हो जाए तो उसके लिए राइट एलोकेशन ऑफ द बजट

कि जो भी व्यक्ति जॉब पहली बार ज्वाइन करेगा उसकी पंद्रह हजार रुपये तक की तनख्वाह एक बार सरकार देगी ओके तो वो उससे भी रोजगार को काफी बढ़ावा मिलेगा और एक जो अच्छी चीज़ और हुई है बिजनेसेस के लिए छोटे बिजनेसेस के लिए वो है कि अब बैंक को अधिकार दे दिया गया है कि आप उनके डिजिटल ट्रांजेक्शन के बेसिस पे उनको लोन दे सकते हो तो पहले ये नहीं होता था इसलिए छोटे ठेले वाले को इन लोग को लोन नहीं मिलता था अब ठेले वाले को भी लोन मिलेगा अगर वो डिजिटल ट्रांजेक्शंस कर है, है अगर वो यू के थ्रू या फिर, फिर किसी पेमेंट वॉलेट के थ्रू कर रहा है ]干. तो उसको भी आराम से लोन मिल सकता है चाहे दो लाख का मिले पाँच लाख का मिल जितने का मिले जितनी उसकी सक्षमता है उस हिसाब से उसको लोन मिल जाएगा तो मेरे को लगता है ये दो बहुत बेहतरीन चीज़ें हुई हैं बजट में क्योंकि इससे रोटेशन बढ़ेगा इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इससे फिर ये जो प्रॉब्लम हम अभी फेस कर रहे हैं चार खराब बच्चे और एक अच्छा बच्चा वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी ठीक so, हो सकती है और ऐसी कोई दो चीजें जो आपको लगता था ये अननेसेसरी थी मेरे स्टॉक मार्केट भाइयों की बैंड बजा दी <laughs> okay. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस का पंद्रह से बीस कर दिया लॉन्ग टर्म का दस से बारह साढ़े बारह कर दिया और एस ऑलमोस्ट डबल कर दिया तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता है जरूरत नहीं थी अवॉइड किया जा सकता था अवॉइड किया जा सकता था ठीक है उन्होंने कुछ सोचा ही होगा बट ओवरऑल आपका ओपिनियन है कि दैट चाहिए देखो देश को ऐसे बजट अगले दस साल तक चाहिए नहीं तो देश दस साल तक अस्थिर हो जाएगा देश अस्थिर हो जाएगा एक था कि आप SIP के बारे में दुनिया बात करती है, SIP करो SIP करो, But आपने बहुत सारे लोगों को एजुकेट करा है एस डब्ल्यू पी पे hmm. इसको एक बार हमारी ऑडियंस को एक्सप्लेन कर दो सर एस डब्ल्यू पी क्या है और इसका फायदा क्या है hmm. तो मैं आपको एक इक्वेशन बताता दूँगा ये रियल लाइफ इक्वेशन है मैंने एक फंड में पैसा डाला था 2018 सितंबर से और तीस हज़ार रुपये महीना डाला था आप बिलीव नहीं करोगे 2016 सितंबर से लेके 2020 मार्च कोविड से पहले उस फंड में मैंने एक रुपये का रिटर्न नहीं बनाया अच्छा साढ़े तीन साल पैसा डालता गया एक रुपये का रिटर्न नहीं है एवरेज बाइंग जितनी प्राइस थी उतना ही फंड चल रहा था जीरो रिटर्न तीन साल सवा तीन तीन साल फिर आ गया कोविड <laughs> वो फंड गिर गया पच्चीस परसेंट पच्चीस परसेंट पच्चीस परसेंट गिर गया दो दिन तीन okay. दिन, दिन, दिन के अंदर जो भी मार्च में जब हुआ था लॉकडाउन और वो धाम करके नीचे गिर गया hmm. अब धाम करके नीचे गिर गया तो मैं फिर भी कुछ नहीं किया मैंने निकाला नहीं पैसा बार मैं डालता गया डालता गया डालता गया डालता गया hmm. आज दो हज़ार चौबीस जुलाई में ये फंड जो है मोटा मोटी आठ साल हो गए hmm. आठ साल से दो महीने कम हुए उसमें इस फंड की वैल्यू छिहत्तर लाख हो गई है और इसमें मैंने जो पैसे डाले थे वो डाले थे करीबन छब्बीस लाख रुपए। जो कितने सालों की एस आई पी है तो पैसा करीब मोटा मोटी तीन गुना हो गया मोटा मोटी टू हाँ। पॉइंट एट टाइम्स टू तो बी वेरी प्रिसाइस ठीक है तो ये कब हुआ ये पिछले चार साल में इतने बैंपर रिटर्न बने कि उसके पहले के चार साल के पाप सारे धुल के, के और इसका आई आर आर जो मतलब कंपाउंड रिटर्न है वो चौबीस परसेंट है ट्वेंटी फोर परसेंट ओके ठीक है अब मैं एक बात कहता हूँ कि मैं आज से एस आई पी लेट से बंद कर देता हूँ मैं कहता हूँ ये छिहत्तर लाख का फंड है मेरे पास अब मैं इसमें से खाऊंगा इसमें से रोज खाऊंगा हर महीने खाऊंगा उस प्रोसेस को कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जैसे आपने इन्वेस्ट किया था अब okay. तो कि छिहत्तर लाख का फंड है चौबीस परसेंट रिटर्न कमाया अब आगे चौदह परसेंट कमाएगा ठीक है तो मैंने यह तय करा कि अब इसमें से मंथ विड्रॉ करूंगा ठीक है

तो इसलिए मैं तीस साल में दो करोड़ सोलह लाख रुपए निकाल चुका हूं छिहत्तर लाख के कॉर्पस में से अभी कहानी खत्म नहीं हुई ओके okay. तीस साल बाद कोई अनुमान आपका इस फंड की वैल्यू क्या होगी सर तीस साल में तो खत्म हो चुका होना चाहिए क्योंकि दो करोड़ सोलह लाख तो निकाल चुका है बहुत कम ही बचेंगे सोलह करोड़ रुपए का ये फंड होगा सिक्सटीन yes. करोड़ का ये फंड होगा तीस साल बाद सेवेंटी सिक्स लाख रुपीज के फंड में से मैं दो करोड़ सोलह लाख खा चुका हूं तीस साल में स्टिल उसके बाद यह सोलह करोड़ का होगा ये है पावर कंपाउंडिंग की इसीलिए मैं मगजमारी नहीं करता लाइफ में उछलता कूदता नहीं क्रिप्टो <laughs> नहीं करता क्योंकि मुझे ये इक्वेशंस पता है आई एम एजुकेटेड आई एम अवेयर आई एम कॉन्शियस सर स्टेटमेंट्स आर ना माइंड बॉगलिंग सिंपल सिंपल है पर वही सबको मस्ती चाहिए वो एक ऐड है आलिया भट्ट की कि वीको की कि टूथपेस्ट में मजा नहीं आ रहा क्योंकि बाकी टूथपेस्ट कोई नमक बेच रहा है कोई झाग बेच रहा है कोई आ, क्रिस्टल्स बेच रहा है कोई कुछ बेच रहा है तो बोलती है वीको में मजा नहीं है असर है असर है तो हमारे जो ऑडियंस है ना उसको इन्वेस्टमेंट्स में असर नहीं चाहिए मजा हुँ, चाहिए एक्चुअली ये ये थ्योरी सेवलॉन के साथ आती है जब डिटॉल आया था तो डिटॉल अकेला मार्केट में था एंड उसके बाद सेवलॉन आया क्योंकि डिटॉल आप कहीं चोट लग जाए डालते थे जलता था

आपकी कोई फिलॉसफी जिसने आपकी बहुत हेल्प करी हो लाइफ में इतनी ग्रोथ तक के लिए मैं फिलॉसफी से पहले फिलोसफर बता देता हूं उसकी सारी फिलॉसफी मैं यूज करता हूं वो है वारें बुफे। वारें बुफे। बस उसके मैं किसी की नहीं सुनता। ओके, बस बुफे? उनके एक एक कोट मेरे यहां पे यहां पे बैठे हुए सर तीन ऐसी मिस्टेक्स कोई भी बिजनेस ओनर अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है एक्चुअली लोग बिजनेस में आते हैं स्टार्ट करते हैं और जनरली मेरा बिजनेस एक्सपीरियंस ये कहता है कि दैट हर कोई बंदा मिस्टेक करके ही सीखता है हुँ। तो ऐसे तीन कोई कॉमन मिस्टेक जो हर बिजनेस ओनर करते ही करता है इन स्टार्टिंग वो क्या है और उसको अगर रोक दें तो बहुत सही कर सकते हैं बिजनेस को वो आपके हिसाब से क्या है सबसे पहला है कि आप रेवेन्यू को अपना प्रॉफिट मत समझो ओके अगर आप माल सौ रुपये में बेच रहे हो वो सौ रुपये आपका नहीं है पहले आपका अस्सी रुपये कास्ट में चला जाता है या नब्बे रुपये कॉस्ट में चला जाता है आपका दस रुपये है अब दस रुपये में आपको सब कुछ मैनेज करना सैलरी मैनेज करना एक्सपेंसेस मैनेज करना इंटरेस्ट मैनेज करना Everything. तो लोग क्या गलती करते हैं कि सौ रुपये से को अपना मान लेते हैं okay. वो नहीं करना चाहिए सेकंड है कि आप अपनी सैलरी कंपनी से ड्रॉ करो hmm. जो भी आप कंपनी बनाते हो आप अलग हो कंपनी अलग है ठीक है आप अपने आप को भी सेफ करके चलो क्योंकि आपका मास्क पहनोगे तो ही बगल वाले का मास्क पहनोगे hmm. ये भी एयरपोर्ट एरोप्लेन में भी यही बोल रहे तो आप बिजनेस में से अपनी तंखा अलग से निकालो अभी शुरुआत है तो कम तंखा निकालो दस हजार निकालो पंद्रह कल को बिजनेस बड़ा हो जाएगा का हमेशा ध्यान रखो। ओके। कि आपने माल उधार दिया है और उधार पे सप्लायर से लिया है कब किधर से पैसे आने कब किसको पैसे जाने ये बहुत ध्यान रखना क्योंकि एक बॉडी बिल्डर की बॉडी बहुत अच्छी होती है पर अगर उसमें से सांस चली जाए तो वो मर जाता है इसी तरह एक बिजनेस चाहे कितना भी अच्छा प्रॉफिटेबल हो उसका कैश फ्लो अगर रुक जाए तो बिजनेस मर जाता है तो, है। hmm. तो तीसरी चीज है बिजनेस के कैश फ्लो को उसके वर्किंग कैपिटल को बहुत ध्यान देना चाहिए टाइम hmm. पे पैसा कलेक्ट करो टाइम पे पैसा पे करो और फटाफट इन्वेंट्री को घुमाओ ताकि आपका बिजनेस तेजी से चले दैट इज अमेजिंग सर अच्छा आपका ओपिनियन जैसे हम मैं भी एक यंग इंडिविजुअल हूँ अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ तो मेरा पहला फोकस जाता है कि अपना करो राइट सोसाइटी भी इसी तरीके से ट्रिप है माँ बाप भी सबसे पहले यही बोलते हैं कि भाई इतना पैसा है तो आप एक घर ले लो वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेफ हो यू तो आर सिक्योर साइड आपके हिसाब से क्या ओपिनियन है दैट टू रेंट और बाय देखिए अर्ली पार्ट ऑफ करियर में लाइफ में आप मत रेंट मत अब खरीदिए क्योंकि खरीदने से ना आपकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है आज आप दिल्ली में हो कल आप दुबई जाना चाहते हो तो घर आपके ऊपर एक लाइबिलिटी बन जाएगा दूसरा है कि आज आपके लिए सबसे बड़ा निवेश है आपका खुद का दिमाग तो आप पहले निवेश करो अपने दिमाग में पहले अपने दिमाग को बेस्ट लेके जाओ अपनी पचास हजार की तनखा को पांच लाख करो फिर सोचो कि कोई फिजिकल एस्टेट में पैसा डालना है तीसरा घर इल्लिक्विड होता है कल को कोई परेशानी आ गई गई प्रॉब्लम आ तो जैसे मैंने कहा कि आप बेडरूम नहीं बेच के पैसा निकाल सकते तो शुरू के दस पंद्रह साल के लाइफ के प्लीज घर की तरफ मत देखो बढ़िया रेंट पर और इंडिया में घर का इंटरेस्ट रेट जो है वो साढ़े आठ परसेंट है हाँ। होम लोन का और आपको घर जो मिल जाता है वो दो तीन परसेंट के भाड़े पे मिल जाता है हाँ। तो एक करोड़ का घर जो है वो आपको करीबन पच्चीस हजार रुपए महीने के भाड़े पे आराम से मिल जाता है और कोई हेडेक नहीं है कुछ टूटा फूटा तो भी वो लैंड ओनर मैनेज कर लेगा अपार्टमेंट ओनर मैनेज कर लेगा तो बिल्कुल घर लेने की जरूरत नहीं है पहले पंद्रह बीस साल जब आपके पास इनफ कॉर्पस हो इनफ पैसा हो आप स्टेबल हो चुके हो लाइफ में आपको आप फिफ्टी परसेंट ऑफ द घर की वैल्यू डाउन पेमेंट अपने पैसे से कर सको तब आप घर ले लो कोई चक्कर नहीं पर तब तक नहीं मेरे पास नहीं अभी घर आई डोंट हैव हाउस आपने अभी तक तो घर नहीं लिया हाँ। क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि मैं अपने दिमाग पर डालूंगा ना पैसा तो मैं ज्यादा रिटर्न कमा लूंगा मैं अच्छी जगह रहता हूँ बेस्ट जगह पे रहता हूँ बेस्ट इंटीरियर्स करा देता हूँ पर घर अपना नहीं होता घर अपना नहीं होता इट इज ग्रेट आप भी इस चीज़ को फॉलो अगर करना चाहो तो कर सकते हो दैट यू कैन रेंट एंड उसका इंटरेस्ट भी काफी बहुत है। कम है बहुत ही कम सर कुछ लास्ट क्वेश्चन हैं आपके हिसाब से डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है डेफिनेशन ऑफ सक्सेस हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। एक बार क्या हुआ महाभारत में यक्ष ने जब ये पांडव वनवास में थे तो एक दिन प्यासे थे घूम रहे थे जंगल में तो पानी पीना था तो एक भाई गया पानी देखा पर वहाँ से यक्ष महाराज आए उन्होंने पहले मेरे सवाल का जवाब दे फिर पानी पीना नहीं तो मर जाएगा तो उसने बोला है छोड़ मैं तो पानी पीता हूँ पानी भी मर गया ऐसे चार भाई मर गए लास्ट में युद्धिष्टर महाराज आए तो एक बहुत फेमस संवाद है ये महाभारत का यक्ष और युधिष्ठर जी महाराज का तो यक्ष ने पूछा कि इस दुनिया में खुश कौन है आपने जो क्वेश्चन पूछा ना सक्सेस और हैप्पीनेस मैं ये कहता हूँ, तो बड़ी अच्छी बात कही युधिष्ठर जी ने फाइनेंशियल आंसर दिया महाभारत में फाइनेंस का आंसर था आंसर ये था कि जो व्यक्ति चाहे कितना ही गरीब हो पर अपने मींस में रहता है अगर आप बीस हजार भी कमाते हो पर बीस हजार में रह पा रहे हो और जिसपे उधार नहीं है नहीं। वो आदमी हमेशा खुश है नहीं। और खुश आदमी सक्सेसफुल है प्लीज डोंट गो बाय द पैरामीटर्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ हैप्पीनेस फॉर सक्सेस मुकेश अंबानी भी दुखी हो सकता है कि इोन मस्क उसके आगे <laughs> बिल्कुल आप और आप, आप खुश हो सकते हो कि आप खुद में सेल्फ सफिशियंट हो जिस समय आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए आप सक्सेसफुल हो चुके जाएसफुलर बस आप ये सक्सेस है अब वो अगर आप अपने खर्चे तीस हज़ार करते हो और आपकी पैसे इनकम पचास हज़ार हो जाती है तब भी आप सक्सेसफुल हो आपके खर्चे तीन लाख हैं और आपका पैसे इनकम पांच लाख है तब भी आप सक्सेसफुल हो नहीं तो आप जिंदगी भर इस चेज में रहोगे और कुछ अचीव नहीं कर पाओगे कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे जिसको कहते पीस या फिर हैप्पीनेस वो स्टेट शायद कभी नहीं मिल पाता आप क्योंकि आप भागे जा रहे हैं ना, हो ना भूखे हो तो मैंने क्या बोला मेरा तो भाई पचहत्तर हजार की इनकम के साथ अगर पच्चीस लाख का फंड बना सकता है पैतीस लाख का फंड बना सकता है तो आदमी को वो चीज़ें ज्यादा चीजें देखनी चाहिए कि उसकी पैसिव इनकम डेवलप हो जाए ताकि उसकी खर्चे नॉक ऑफ हो जाए एक क्वेश्चन था सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूथ को लेके ही है बहुत सारे लोग उस पॉडकास्ट को देखेंगे आपने एक चीज़ देखी होगी आजकल एक ट्रेंड बन चुका है इन पंजाब साइड एंड हरियाणा साइड इन दिल्ली आल्सो ऑन आप कंट्री में मान लो आज लोग जैसे ही ट्वेल्थ कम्प्लीट करते हैं वो एक विजन बना लेते हैं कि मुझे अब्रॉड जाना है मुझे बाहर जाके पढ़ाई करनी है मैं उधर सेटल हूँ उधर ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है उधर ज़्यादा पैसा बना लेंगे कंपेरेटिवली इंडिया एंड जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है वो लोन्स लेते हैं बीस बीस पच्चीस तीस लाख रुपए का लोन है एंड दे आर गोइंग टू अब्रॉड ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं कैनाडा जा रहे हैं right. और हेविली मार्केट है इसकी राइट राइट मैं जानता हूँ टू मेक जस्ट करियर वो बाहर चले जाते हैं आपके हिसाब से क्या है दैट इतना लोन लेने के बाद दे आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया माँ बाप से दूर हैं एंड उधर ही सेटल हो रहे हैं एंड दे आर वो अब इंडिया नहीं आते इंडिया में करियर बनाना चाहिए एक इंडिविजुअल को या फिर उसको वो जो कर रहे हैं ये लोग दिस इज गुड और वो आपकी ओपिनियन क्या है देखिए मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है इसमें इंडिया फॉर द नेक्स्ट टू थ्री डेकेड्स विल बी द हाइस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड ओके अगर आपको पैसा बनाना है विधर रुक जाओ कोई जाने की जरूरत नहीं।, नहीं थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ परेशानियाँ रहेंगी इच इज़ ओके पार्ट ऑफ लाइफ है ठीक है आपको क्या लगता है कैनेडा जाओगे तो बहुत कुछ सब कुछ अच्छा होगा वहाँ पे फिर आपको झाड़ू पोछा भी खुद करना है सब कुछ खुद करना है इंडिया में आपको हाउस हेल्प्स मिल जाते हैं आपको इजी हो जाती है लाइफ ठीक है तो आप प्लीज़ अगर आपको रियली वेल्थ क्रिएट करनी है कुछ अच्छा करना है तो इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड फॉर द नेक्स्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी ईयर ग्रोथ बहुत जबरदस्त है पैसा बहुत है अभी मार्केट में आ रहा है बीस हजार करोड़ की महीने की एस आई पी हो रही है आज ऑन्टरप्रोन्यर बनना सबसे आसान है बिजनेसमैन बनना सबसे आसान है गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग इको सिस्टम इज सपोर्टिंग आर फंडली अवेलेबल कंज्यूमर बेस एक सौ चालीस करोड़ का अरे कैनेडा की कंपनी इंडिया आना चाहती है <laughs> आप कैनेडा जा रहे हो तो उनके पास तो जनता ही नहीं है वहाँ पे वो तो जनता बुला रहे हैं आप जैसे लोगों को तो यहाँ तो ऑलरेडी कमी नहीं है एक सौ चालीस करोड़ लोग हैं तो बहुत बड़ा मार्केट है लेट्स मतलब मेरा मानना ये तो यही है बाकी फिर हर जन की इंडिविजुअल सोचे उस पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते पर इंडियन इकोनॉमी is going to to be one place to make massive money नी फॉर द नेक्स्ट ट्वेंटी एंड वो कहते हैं जहां परनेक्ट इफ यूर अगर आपका कनेक्शन एक ग्रोइंग किसी कंपनी या फिर ग्रोइंग स्टेट के साथ है तो डेफिनेटली यू आप भी ग्रो कर जाओगे धक्का लग जाएगा ना आपको आप grow कर जाओ average से ऊपर चले जाओगे बट आज थोड़ा देखा देखी में भी चल रहा है that. हमेशा ही होता है वो चला गया एंड आई है वो आई थिंक सोशल मीडिया प्लेज बिगेस्ट रोल सेम चीज आप क्या कंज्यूम करते हो ना वो आपके माइंड सेट को डेवलप करता है या yeah. तो आप कंज्यूम करना बंद कर दो और अगर मैं माइंडसेट की बात करूं लास्ट uh, डे मैं रात में एक चीज थॉट को सोच रहा था एंड वही सेम थॉट अगले कुछ मोमेंट्स में वो रील पे था hmm. कुछ वैसे ही था एंड hmm. बड़ा डिस्टर्बिंग होता है कभी कभार व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग पर्सनल एंड आप उसको देख रहे हो और एकदम से आपकी स्क्रीन पर वही चीजें आ रही हैं उस से रिलेटेड आ रही हैं hmm. तो आई थिंक वाट में हो रहा है सेम hmm. उसके अकॉर्डिंग मीम्स एंड चीजें मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रही है एंड वही चीज मुझे लगता है लोगों का एक माइंड सेट भी डेवलप करती है बहुत बड़ा इंफ्लुंस है मेरा एक फ्रेंड है।, है वो एक चीज बोल रहा था कि दैट आज जो हमारा माइंड सेट है वो हमारा नहीं है वो हमारे इंडिविजुअल कैरेक्टर का माइंडसेट नहीं है आप एक इंडिविजुअल कैरेक्टर थे बट hmm. आज जो आपका माइंडसेट है जो आप सारा दिन सोशल मीडिया पे देखते हो उसी के थॉट्स आप रिकर yes, करते हो आपके माइंड में yes, कि ओशो ने एक बात बोली थी तो ऐसे करना है hmm. आज मैं रिलेशनशिप्स में भी देखता हूँ hmm. कि दैट एवरीबडी इज लाइक कि कौन एक दूसरे को डोमिनेट करे बिकॉज सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स आर टीचिंग लाइक दिस पीपल आर टीचिंग लाइक दिस कि ये करो तो ऐसा हो जाएगा hmm. उसको ऐसे कंट्रोल कर सकते हो इसको ऐसे कंट्रोल कर सकते हो डार्क साइकोलॉजीज एंड hmm. वही शायद हमारा माइंड सेट आई राइट सोशल मीडिया बिल्कुल बट आपको क्या लगता है सोशल मीडिया एक एडवांटेज है हमारी यूथ के लिए या फिर एक डिसएडवांटेज है तो जो भी टेक्नोलॉजी बनेगी hmm. दो धारी तलवार होगी इट इज अबाउट द यूजर ओके ठीक है uh, इंटरनेट जब फर्स्ट टाइम आया था hmm. तो पॉन भी आ गया उस पर तो इंटरनेट में बहुत अच्छी चीज़ें इन्फॉर्मेशन को भी अच्छे से दिया आपको बहुत लोग डॉट कॉम बिलेनियर्स भी बने हाँ। और उसके बाद बहुत लोगों ने गलत चीज़ें भी करी इंटरनेट का यूजेज करके तो एवरी टेक्नोलॉजी विल हैव इट्स पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हमें ये देखना है कि हमें क्या उसमें से कंज्यूम करना है इफ़ एंड दिस इज़ वेयर द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू आंसर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाई अगर आपका वाई क्लियर है ना तो आपका कॉन्टेंट भी उसी हिसाब से आएगा अगर आपका अब आप मेरे रील्स पे देखो आपको ये सब नहीं दिखेगा मेरे रील्स पे बहुत finance की की बड़े और क्रिएटर्स की क्यूं? मेरा वाई क्लियर है, प्ले कर रहा है। कोई एक वो आपको चिंगारी छोड़ता है वो दिखता है यार ये चिंगारी आदमी के साथ चली क्या नहीं चली मेरे को दिखाएगा दस रील के बाद पतली कमर मैं ऐसे कर दूंगा तो उसको समझ आ जाएगा ये इंटरेस्टिंग नहीं है ठीक है तो आज इंप्लाइज है फीड देखो आप

एंड uh, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हो ए आई इज़ वन ऑफ दैम ई वी इज वन ऑफ दैम बट आपके हिसाब से uh, आपने जैसे बताया था कि दैट गवर्नमेंट की निगाहें जहाँ पर हो उस तरफ आप चले जाओ राइट बट अगर हम अपने समाज की बात करें घर में ही ये सब चीज़ें नहीं हो पाती क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें डाल दी गई हैं इम्प्लीमेंटेड हैं कि दैट करियर्स का मतलब डॉक्टर इंजीनियर या फिर सी कुछ हुँ। हुँ। कुछ ही फील्ड्स हैं एक मिडिल क्लास जो बबल है इसमें ये चीज़ होती है hmm. जब मैंने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करा था तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई दैट बहुत रिस्ट्रिक्शंस हुए पहले घर से ही hmm. आसपास के लोगों से दैट वाई यू आर डूइंग यू विल फेल कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से दिस इज नॉट द करियर ऑप्शन स्टेबल करियर ऑप्शन नहीं है बट बन आई मेड इट तो अब लोगों को लगता है दैट दिस इज अ करियर ऑप्शन आपके हिसाब से इससे कैसे डील करें hmm. क्योंकि लाइफ में ये चैलेंज बन जाता है hmm. अब इफ आई वांट टू डू समथिंग मैं एआई में जाना चाहता हूँ या इफ आई वांट टू परस्यू ईवी बट समाज ही ऐसा है प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको कैसे डील करें ये ना लेम रीजन है ओके एप्सल्यूट लेम रीजन है आप में अगर विल पार नहीं आप जिद्दी नहीं हो आपके में स्ट्रेंथ नहीं है तो आप फिर फोटो टिकड़ा किस पे फोड़ना है माँ बाप पे फोड़ दो समाज पे फोड़ दो सोशल मीडिया पे फोड़ दो इफ यू आर हेड स्ट्रांग एंड यू आर क्लियर इन वॉट यू वॉन्ट तो वर्ल्ड इज योर लाइब्रेरी अपने आप आएगा सब कुछ आपके पास सो मेरा बहुत क्लियर है इस मामले में कि वीक मत पढ़ो आपका जो गोल है उसको अचीव करने की कोशिश करो शुरू में लोग कंटेस्ट करेंगे क्वेश्चन करेंगे इट्स ओके पार्ट ऑफ लाइफ है एंड देन स्लोली स्लोली पीपल विल फॉलो इन प्लेस जैसे आपने कहा द सक्सेस इज एवरीथिंग एक hmm. बार सक्सेस है ना इट हैज मेनी फादर्स तो सब <laughs> आते मैंने तो बेटे को परमिशन दे दी थी समाज <laughs> right. बोलता है देखो हमने तो कहा था लड़के को बोलो ये काम करेगा तो सब अपने आप पीछे फॉलो करेंगे डोंट वरी अबाउट ऑल दीज लिटिल थिंग्स ये पार्ट ऑफ लाइफ है इससे बॉकडाउन नहीं होने का ठीक है बड़े जितने लोग बड़े बने हैं ना लाइफ में वो बिना चैलेंज के बने भी नहीं है hmm. तो थैंक गॉड दैट यू हैव दिस चैलेंज एक्सेप्टेड And and face it. Face it an जवाब देंगे ना करारा जवाब मिलेगा वाला इट्स लाइक दैट अगर आप अपने माँ बाप को अपने आइडिया के लिए कन्विंस नहीं कर पाए तो आप जिंदगी में, भी में भी क्या सेलमार हो गया नॉट एबल टू कन्विंस द ऑडियंस मार्केट में बिल्कुल डेफिनेटली बहुत पागलपन चाहिए भाई आगे बढ़ने के लिए यूनिट मैसेव मैडनेस आप जरा वो चंदू चैंपियन देख के आओ तो आपको पता चलेगा किस लेवल का पागलपन चाहिए आपको आगे जाने की जिद्दी होना पड़ेगा खतरनाक जिद्दी होना पड़ेगा बिल्कुल तो आज के पॉडकास्ट में सर ने बहुत सारा ज्ञान दिया है आपको एंड बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत सारे आंसर्स आपको ऐसे भी होंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने पहली बार समझा होगा तो अगर इस पॉडकास्ट को आप पसंद करें तो आप जाके संजय सर को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो एंड अपने दोस्तों के साथ या किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ जिसको पर्सनल फाइनेंस या ग्रोथ चाहिए लाइफ में अगर उसको कुछ सीखना है तो उसके साथ ही पॉडकास्ट शेयर कर सकते हो उसकी हेल्प कर सकते हो मैं मिलता हूँ आपसे अगले पॉडकास्ट में टिल द टाइम बी सेल्फ मेड को क्रेजी जय हिंद जय भारत। <laughs>